हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के लेक्चर में वी विल बी बेसिकली लुकिंग एट हमारा जो GS2 का हमने फुल लेंथ टेस्ट दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर में कराया था, वी विल बी लुकिंग एट इट्स मॉडल आंसर्स। अब मॉडल आंसर्स डिटेल में कराना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज देर बी अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन देयर, राइट। तो आपको PDF मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। वॉट वी विल बी ब्रॉडली लुकिंग एट आर प्रॉड स्ट्रक्चर्स फ्रेमवर्क्स, क्या क्या आपको फिट करना है, बिकॉज यू नो देर इज लिमिटेड टाइम एज वेल एज लिमिटेड वर्ड लिमिट, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी लिमिटेड है, वर्ड्स एज वेल एज टाइम, ठीक है। तो कैसे दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वॉट आर द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेमवर्क दट यू शुड फॉलो, जो आपके मॉडल आंसर्स आएंगे, राइट, दे विल हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स एक्सेट्रा इन दम, राइट, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी थिंग। जो भी आंसर जिस भी फ्रेमवर्क में आए, यू कैन पुट डाउन दोज थिंग्स, राइट। चलिए अब पहला क्वेश्चन जो आता है वो था आपका डिस्कस द KS पुट्टस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट and how it makes privacy a key ingredient of a life of dignity and liberty, ठीक है। तो अगर structure wise देखना हो इस question को, पहला part है आपका क्या, आपको बोला हुआ है कि आपने discuss करनी, ये जो judgment आई थी KS Puttaswamy versus Union of India, आपने उसको discuss करना है कि basically ये judgment थी क्या, ठीक है, ये case किस बारे में था, क्या इसकी मेन जो आउटकम्स थी वो क्या थी, ठीक है, लिस्ट आउट द आउटकम्स, ठीक है। अगर पिछले कोई प्रोसीडिंग इसके इस जजमेंट से रिलेटेड केस था, उससे कैसे डिफरेंट था ये केस, या उससे कैसे डिफरेंट थी ये जजमेंट, ठीक है। साथ ही में अब सबको एक यहाँ पे हिंट भी मिल गया कि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अब क्या पूछा हुआ है कि किस तरह से, ठीक है, हाउ कीवर्ड, किस तरह से ये प्राइवेसी को एक की इंग्रेडिएंट बना देता है ऑफ अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड लिबर्टी। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये जो जजमेंट आई, ये जो आपका राइट टू लाइफ का आर्टिकल है 21 का, जो आपका फंडामेंटल राइट है, इसको ये किस तरह से और एक्सपैंड कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, सबसे पहले हमने बोल देना कि देखिए क्या केस है क्या, ठीक है। तो आपका 9 जज बेंच बैठा आपके केस पुट्टस्वामी केस पे, किस तरह से उन्होंने एम्बिट जो था आपका आर्टिकल 21 को, उसको और भी ज़्यादा वाइटन कर दिया, एंड पहली बार प्राइवेसी को देखा गया कि ये एक लीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का एक राइट नहीं है, बल्कि इट इज़ अ राइट दैट इज अवेलेबल टू वन एंड ऑल। साथ ही में प्राइवेसी यहाँ पे डिफाइन कैसी हुई है, ठीक है। तो डिसीजन आपकी जो पर्सनल डिसीजन मेकिंग है, कितनी इंडिपेंडेंस है आपकी पर्सनल चॉइस को लेके, राइट, क्योंकि इसकी जो इंप्लिकेशंस है आपके 377 पे भी आए थे, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस इन से इवन योर सेक्सुअल प्रेफरेंस सो ऑन सो फोर्थ, राइट, वहां पे स्टेट सर्वेलेंस आधार, राइट, इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कि कौन सी चीज़ें मेरे बारे में जो है आउट देयर हैं और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। अगेन प्रिसीडिंग जो केसेस थे इन द फॉर्म ऑफ MP शर्मा एंड खड़क सिंह, कैसे इनसे ये आगे जाके अलग होता है, वेरी इंपॉर्टेंटली अब इसने प्रिवेसी को कैसे इस्टैब्लिश किया, राइट, किस तरह से एक जो प्रिवेसी है उसको अब एक ह्यूमन राइट से एक फंडामेंटल राइट तक की जो जर्नी है वो इस केस ने जो तय की। साथ ही में ये जो प्राइवेसी है जो कि इंटरनेशनली भी एक स्टेटस एंजॉय करती है, राइट, बोथ अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट, दोनों की अंडर एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी दी हुई है। सो अपने हमारे इंडिया के जो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उनको भी फुलफिल करते हुए कराए है इस केस की जजमेंट ने, ठीक है। की टेकअवेज की नेक्स्ट इसमें बात आती है कि क्या मेन की टेकअवेज है अगर हम इस जजमेंट की बात करें, ठीक है। पहली चीज है एक एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ प्राइवेसी, जो है इसका मतलब ये है, एक चीज तो हमने इसको फंडामेंटल राइट बना दी, बट इसका मतलब ये है कि बेसिकली कि एक अगर कि अगर पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहले ही प्राइवेसी को स्टेट नहीं किया गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेसी कभी एक फंडामेंटल राइट्स बन ही नहीं सकती। यू ऑल एवरीवन नोज, राइट, कि जिस तरह से जुडिशरी ने एक्टिव होकर जो फंडामेंटल राइट्स है उनका स्कोप कितना ज़्यादा वाइडन कर दिया। इनफैक्ट हमारे पिछले पेपर में ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सो यू कैन एक्चुअली रिलेट द टू, ठीक है, कि जिस तरह से कि द इंटायर आइडिया एंड फिलोसफी ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट ऑन द आइडिया दैट दे कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग, ठीक है। सो हर डिटेल्स उसके अंदर नहीं दी गई है, बट जिस तरह से सोसाइटी इवॉल्व करती है यू कीप एडिंग एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन टू दोज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटेड नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल ये प्राइवेसी जो है आपकी फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं हो सकता। साथ ही में एक और इन्होंने बात की कि एक जो एक द आइडिया ऑफ लिबर्टी, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड
एक ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेडन एक जो वर्ल्ड आ गया है हमारा, किस तरह से इस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे इतना बड़ा एक इंफॉर्मेशनल बराज है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल की लिबर्टी और प्रिवेसी जो है किस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं, राइट। साथ ही में एक मेन जो आइडिया था वॉज विद रिगार्ड टू आधार एंड जो ये पर्सनल डेटा जो है कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस रिगार्ड में अगेन जो जजमेंट है उसने इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जिसके कारण जो है दिस विल हैव अगेन फॉलआउट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द आधार जजमेंट, राइट। साथ ही में एक और चीज स्टेट कर दी गई है, लाइक अदर फंडामेंटल राइट्स, आपका जो राइट टू प्रिवेसी है वो भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट देयर विल इट विल कम अलोंग विद सर्टेन राइट्स, ठीक है। राइट टू प्रिवेसी तो एस्टैब्लिश किया ही किया, साथ ही में और क्या मेन इसके क्या आगे इम्प्लीकेशन होंगे, बिकॉज लाइफ यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइफ ऑफ आपकी लिबर्टी एंड डिग्निटी है, तो प्रिवेसीज को और कैसे एक्सपैंड कर रहा है, तो अगेन ऑलरेडी अभी आ गई है आपकी जो जजमेंट आ गई वेरी रिसेंटली, राइट। सो अगेन जो आपकी प्रीवियस जजमेंट थी और द जस्टिस सिंघवी जजमेंट, जिन्होंने आपके जो हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको ओवर रूल करके LGBTQI कम्युनिटी के जो राइट्स थे ऑलमोस्ट उनको छीन लिया गया था, राइट। अभी जो राइट टू प्रिवेसी है ये इसको प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन पे एक्सपैंड करते हुए अगेन इट प्रोवाइड्स LGBTQIA कम्युनिटी देयर फंडामेंटल राइट्स विद रिगार्ड टू देयर आइडेंटिटी एज वेल एज देयर सेक्शुअल प्रेफरेंस, राइट। साथ ही में अगेन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है द जजमेंट ऑफ ADM जबल एंड शिवकांत शुक्ला, इट इज लुक्ड एट एज द ग्रेटेस्ट मार ऑन द फेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। इंटरेस्टिंगली जस्टिस चंद्रचूड जो हमारे हैं, राइट, उनके फादर वॉज अ पार्ट ऑफ दिस जजमेंट, राइट, जहां पे उन्होंने एक आइडिया किया था कि कैसे इमरजेंसी के टाइम पे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जो कंप्लीटली इरोड कर दिए गए थे, तो इस जजमेंट को वो इरोड करती है एंड फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट टू ऑफ लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड दैट के ये एक डिग्निफाइड लाइफ होगी उसको ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करती है, राइट। सो दीज आर द मेन एलिमेंट ऑफ द आंसर जो कि इसमें इंक्लूड करने जरूरी है, राइट। स्ट्रक्चरली केस क्या है, क्या बात करता है, प्रिवेसी जो इंटरनेशनली एंड नेशनली हमारे जो स्टेटेड गोल्स है उसको ये फुलफिल कैसे करता है, और आगे चल के आधार जजमेंट आपकी जो LGBTQIA के राइट्स हैं उनको कैसे बात करता है, एंड साथ ही में जो आपके प्रिसीडिंग जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, राइट, बी इट इन टर्म्स ऑफ MP शर्मा खड़क सिंह, बी इट इन टर्म्स ऑफ द ADM जबलपुर केस, उन पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, एंड दैट विल गिव यू अ होलिस्टिक आंसर, राइट। सो इवन इफ यू कैन जस्ट नेम दीज थिंग्स, राइट, जरूरी नहीं है इनके ऊपर एक्सपेंसिवली लिखना, जैसे कि आपके लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमने लिखा गया है, सो एक्सपेंसिवली इतना इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बट द आइडिया ऑफ नेम ड्रॉपिंग के आपने मेंशन कर दिया, राइट, इन द रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट, वो आपको ऑब्वियसली ग्रेटर मार्क्स दिखाएगा, बिकॉज ए ये आपको बताएगा कि आपने सिर्फ यहाँ पे प्रिवेसी को एक नैरो कॉन्टेक्स्ट में ही देखा है, बट आपने लिंकेजेस ड्रॉ की हैं बोथ विद द पास्ट जजमेंट्स एज वेल एज द फ्यूचर जजमेंट्स एज वेल एज विद योर फंडामेंटल राइट्स विद इन द कंट्री एज वेल एज योर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, सो वेन यू कैन ड्रॉ दीज लिंकेजेस एंड एनालाइज देम टुगेदर दैट विल गेट यू गुड मार्क्स, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बात करता है कि आफ्सपा क्या है, वॉट इज आफ्सपा, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स नीड इन कंटेम्प्रेरी टाइम, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका पिछला क्वेश्चन था थोड़ा ज्यादा पेचीदा था इन टर्म्स ऑफ कि आपको जजमेंट पता होनी चाहिए, उसके मेन चीजें क्या है, किस तरह से आप लिंक करोगे, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ये क्या है, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन क्या क्या इसमें लिखना है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो है पहली चीज जो आपको समझाने की जरूरत है कि देखिए आफ्सपा है क्या, ठीक है, आफ्सपा है क्या, देयर इज अ लॉट ऑफ अगेन यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस आफ्सपा है क्या, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, नहीं है, एक्ट है, कौन सा एक्ट है, सो देयर एक्चुअली आफ्सपा एक कोर एक्ट नहीं है, ठीक है। आफ्सपा को स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक, क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरियाज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो बात है कि आफ्सपा किन से रिलेट करता है, डिस्टर्ब्ड एरिया से रिलेट करता है, हर एरिया में जहाँ पे कोई मुद्दा उठा है वहां पे आफ्सपा नहीं लगा दिया जाएगा, नहीं, जो एरियाज आर डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज इधर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, उन्हीं जगहों पे, और ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है ये 1976 का आपका एक डिस्टर्ब्ड एरियाज का एक्ट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो यहीं पे जो है आपका आफ्सपा जो है कम्स इनटू बी, ठीक है। तो पहली बार 58 में आया, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जैसे जैसे एक्सटेंड होता गया तो रिलेटिव उन स्टेट्स के लिए आपके ये एक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आते चले गए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती है ऑब्वियसली आपकी आर्म फोर्सेस को विद रिगार्ड टू फायरिंग पीपल
फायरिंग अपॉन पीपल, लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए, अरेस्टिंग एनीवन विदाउट वारंट, सर्चिंग समवन, ठीक है. एंड साथ ही साथ में एक सबसे जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन है लीगल इम्यूनिटी, ठीक है, कि ये जो आपने आर्म फोर्सेज ने जो भी एक्शंस किए आफ्सपा को फुलफिल करते हो, उससे उनको लीगल इम्यूनिटी है. अगेन कहाँ कहाँ पे है आफ्सपा? नॉर्थ ईस्ट, जे एंड के में, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय ने रिसेंटली डिसाइड किया तो लिफ्ट दिस एक्ट, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. अब आपको जो मेन आपका कोर एक स्ट्रक्चरली जो आता है कि क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने उनको पूछा है कि क्या जरूरत है कंटेम्प्रेरी इंडिया में, क्या सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है. तो इसको अगेन आपके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे. पहली चीज कि हाँ अभी भी सिग्निफिकेंट है, उसके पॉइंट्स आपने लिस्ट आउट करने, ठीक है. सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. अगेन यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए एक क्या होता है कि अगर आप डाइल्यूट करेंगे इस एक्ट को, अगर पार्शली विदड्रॉ करेंगे, क्या हो सकता है कि रेडिकलाइजेशन और बढ़ सकती है, फंडामेंटल ग्रुप्स जो है उनका जो अपसर्ज है और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है. अगर इसको डाइल्यूट किया तो काउंटर इंसर्जेंसी आपके ऑपरेशन जो है इम्पैक्ट होगा, सपोर्ट जो टेररिज्म का है वो बढ़ जाएगा, जो आपके जो ऑलरेडी हो रहे हैं, जो आपके बूथ्स ऑन ग्राउंड है, जो आपके सोल्जर्स हैं, वो आर रिस्किंग देयर लाइफ, राइट, उनका मोराल लो हो जाएगा, उनको कई इम्यूनिटीज चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली काउंटर टेररिज्म का काम कर सके. साथ ही में क्योंकि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, आप इतना उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत सारा टाइम लेके डिसीजंस करें. तो आफ्सपा जो है कि एनेबलिंग एक्ट है जो कि उनको हेल्प करता है कि आप काम करो टू बेसिकली कट डाउन ऑन द इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे, राइट. सो अगेन ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी अवेलेबल, ठीक है, आर्मी के आपके इर्जा एक्सेट्रा पे हर जगह पे मिल सकते हैं. अगेन व्हाई इज आफ्सपा नॉट नीडेड, या कंटेम्प्रेरी टाइम्स में से रिफॉर्म या रिपील की क्यों जरूरत हो गई है, उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स लिखना. अगेन जब आप ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट नीडेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें एग्जांपल्स थ्रो कीजिए, ठीक है. सिर्फ एक स्टेटेड लाइन लिखने से उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू नो, यू हैव टू मेक द अदर पर्सन रियलाइज कि हाँ आपको एक ब्रॉडर नॉलेज भी है, किस तरह से यू कैन मेक योर आंसर मोर इंपैक्टफुल, ठीक है. सो अगेन आपके फंडामेंटल राइट्स को ये काफी अब्यूज करता है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल, जो आपकी किलिंग्स हुई है, रेप्स, असॉल्ट, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. अगेन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने, सिविल सोसाइटी ने इसको काफी अपोज किया है. मणिपुर की इरोम शर्मिला इज वन ऑफ द स्टॉन्जेस्ट persons against them, important point, ठीक है. basically women and vulnerable sections of the society है, उनके ऊपर इसका क्या impact आया है, rape and sexual assault जो हुआ है. example quote कीजिए, आपकी जो मीरा पे भी agitation हुई थी at the कांगला फोर्ट इन मणिपुर, अगेन द आपका पोशपोर मास रेप, राइट. जस्टिस वर्मा कम्युनिटी जिन्होंने बोला है कि रिव्यू कीजिए इम्यूनिटी ऑफ द आर्मी इन सच केसेस, राइट. अगेन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी बोला है कि नीड फॉर रिफॉर्म है, ठीक है, कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो आर्म्ड मैन और ये उनकी ड्यूटी से कोई कंसर्न नहीं है, बट इट इज एक्चुअली जस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो किसी भी तरह की एब्सोल्यूट इम्यूनिटी उनको नहीं मिलनी चाहिए. किस तरफ से आफ्सपा कुछ इंटरनेशनल कोविनेंट्स को जो है वायलेट करता है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, राइट. एंड साथ ही मे बी इट हैज फेल्ड टू एक्चुअली रिस्टोर नॉर्मलसी इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, ठीक है, जो कि अब कितने सालों से ही चल रहे हैं, राइट. साथ ही में आपने यहाँ पे खत्म नहीं करना है, इंपॉर्टेंटली आपने कुछ सजेशंस एंड जो वेरियस पैनल्स बिठाए गए शायद उनको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. जस्टिस संतोष हेगड़े की एक जुडिशियल अपॉइंटेड कमीशन थी जिन्होंने बेसिकली जो मणिपुर में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई थी उससे उसके ऊपर जो बात की, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि हाँ आर्म्ड फोर्सेज ने ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की है. जस्टिस वर्मा एंड जीवन रेड्डी कमेटी की जो वेरियस रिकमेंडेशंस आई है इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म और रिपीलिंग द एक्ट, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. किस तरह से कमिटीज बिठाई जा सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टू एक्चुअली डील विद दीज प्रॉब्लम्स. अगेन डेफिनेशनल जो कंसर्न्स है विद रिगार्ड टू द एक्ट की डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है, किस तरह से फोर्सेस ने एक्ट करना है, इन सबको डिफाइन आप कर सकते हैं, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रिसेंटली देयर हैज बीन अ टॉक फॉर द नीड ऑफ क्या आपके साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है. बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कब से ये मुद्दा चल रहा है. तो आपने क्या करना है, पहली चीज है, पहला आइडिया क्या बोलता है कि आपने डिस्कस करना है सबसे पहले कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस है क्या, कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है. नेक्स्ट आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इसकी जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सेकेंड, क्या वो केटर करेगी टू द कॉज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन द कंट्री, ठीक है. तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस आप लाए तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इंडिया ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, क्या वो उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी या नहीं करेगी. अगेन स्ट्रक्चरली अगर बात की जाए, सबसे पहले जरूरी है आपको ये एक्सप्लेन करना कि देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या है. एवरीवन नोज दैट
कि इंडिया के अंदर मल्टीपल साइकिल्स आते रहते हैं, राइट, कभी आपके स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, कभी आपके सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट, सो कंटिन्यूअसली योर इलेक्शंस आर इन प्रोसेस, राइट, बिकॉज दे आर नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, राइट, बट एज पर द जिस तरह से असेंबली का टर्म पीरियड खत्म होता है उस तरह आपसे आते जाते, राइट, 67 तक ये होती रहती थी, बट आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑब्वियसली ये आगे पीछे हो गया जो आपका टाइम टेबल था, ठीक है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक बार आपने कंसेप्चुअली समझा दिया, नेक्स्ट यू हैव टू मूव ऑन टू कि अभी प्रेजेंट सिस्टम के अंदर क्या कमी है जिसके कारण साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जरूरत पड़ गई है, ठीक है. सो पहला एस्पेक्ट है कि आपने जरूरत समझानी है. तो अगेन अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड पॉइंट्स की देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है तो उसके कारण जो आपके पॉलिसी पैरालिसिस काफी हो जाता है, नई स्कीम्स नहीं आप ला पाते, गवर्नेंस का डेफिसिट हो जाता है, साथ ही में जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस है उनका खर्चा बहुत होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोथ फाइनेंशियल कॉस्ट, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लानी ही है, राइट, साथ ही में आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज जो आती है, राइट, तो उनको आप बाकी इंपॉर्टेंट मैटर्स है उनको वहां से हटा के यहाँ पे आप ले आते हैं, ठीक है. बाकी जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है वो भी बहुत बार हैम्पर होता रहता है, ये जो आपके स्टैंडर्ड पॉइंट्स वो आपको मेंशन करने ही हैं. नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चरली पार्ट आता है कि देखिए इवन दो नीड है, ठीक है, बट अगेन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, क्या कंसर्न्स है, अगर इतना नीड था, राइट, तो अभी तक क्यों नहीं आया, राइट, सो कंसर्न्स क्या है, टेन्योर, ठीक है, सो टेन्योर से रिलेटेड अगेन कि किस तरह से अब बात हो रही थी कि आप सबको साइमल्टेनियसली लाओगे कैसे, किस तरह से सिंक्रनाइज करोगे, ठीक है, तो उसकी इशू है. कॉन्स्टिट्यूशनल क्या इशू है, राइट, कि क्या आपको अमेंडमेंट चाहिए होगी इन द आरपीए एक्ट, राइट, कि किस तरह से आप इनको सिंक्रनाइज करोगे कि नहीं करोगे, राइट, क्योंकि कुछ ये जो चेंजेस है पोलिटिकल पार्टीज, अदर स्टेक होल्डर्स, फेडरल जो आपके स्टेट्स है उनको आपको इसके अंदर लाना है, राइट, किस तरह से, अगेन लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्शन जो है सबके लिए एक साथ जो है होल्ड कर सके, अगेन ह्यूज ह्यूज इशू हियर, ठीक है. डिसोल्यूशन से रिलेटेड इशू के अगर फॉर एग्जांपल अगेन प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गई, ठीक है, इन केस ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसके बाद अब दोबारा क्या करोगे, मिड टर्म जब इलेक्शन आया तो क्या करोगे, किस तरह से आप ये कंटिन्यू करोगे, ठीक है. अगेन एक और बोला जाता है कि इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरल, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, बिकॉज अगेन नेशनल इशूज माइट एंड अप डोमिनेटिंग योर स्टेट और लोकल इशूज. अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर जब आपके अगेन एंड अगेन इलेक्शंस होते रहते तो आपके आपके पॉलिटिशियंस को पता है कि चलो एक बार लोकसभा के इलेक्शन हो गए बट इस स्टेट का दोबारा आना इलेक्शन या उस स्टेट का दोबारा, सो इट कीप्स द पार्टीज ऑन देयर टोज. एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल अगर हो गया तो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि चलो अब नेक्स्ट पांच साल तक यू होल्ड नो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. अगेन कर्टेलमेंट ऑफ एक लेजिस्लेचर्स लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, कि किस तरह से आप अनसीट कर पाओगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या इशू होगा, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. वो कंक्लूजन के अंदर अगेन जब आप कंक्लूड कर रहे हैं, यू कैन अब एड इन सजेशंस, ठीक है, कि चलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एक सिंक्रोनाइजेशन की थोड़ी तो जरूरत है, बट किस तरह से आना चाहिए, फेज वाइज आना चाहिए, बाकी और कौन से इलेक्टोरल मैकेनिज्म्स हैं जिसके जिसके थ्रू जो है इलेक्शंस और भी ज्यादा स्मूथ हो सकते हैं, विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, राइट. सो विद दैट यू कैन एक्चुअली राउंड अप योर आंसर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इलेक्शन से रिलेटेड आपका एक दूसरा क्वेश्चन आता है, विच इज द क्वेश्चन रीड्स, अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट प्रोवाइड फॉर द सेम, द लकूनास, इश्यूज ऑफ पॉलिटिसाइजेशन इंपैक्टिंग द इंस्टीट्यूशन. एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें जो अब पूछी गई हैं, ठीक है. पहली स्टेटमेंट क्या पड़ती है कि देखिए जो स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन चाहिए हमें, क्योंकि वो है आपके बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी. पहली चीज क्या मांगी है कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताइए जो कि इस इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करते हैं. सेकंड क्या पूछा गया है, लकूनास, क्या मेन चीजें हैं जो कि मिसिंग है यहां पे, और इसी के साथ इन्हीं लकूनास के अंदर आपने एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या डिस्कस करना है कि क्या इंडिपेंडेंट आपका जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो क्या वो पोलिटिसाइज हो रहा है, एंड उसके कारण आगे चल के और चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि इसकी पूरी जो क्रेडिबिलिटी है ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसको वो इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है. सो ये दूसरा ही जो पार्ट है इसके अंदर ही एक इंपॉर्टेंट सब पार्ट है जो आपको डील करना है. स्ट्रक्चरली ऑब्वियसली सबसे पहले जब आप बात करेंगे तो आपने बात करनी है कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है क्यों जरूरी है, क्या ये फंक्शंस परफॉर्म करता है. वेरी स्टैंडर्ड आंसर हर बुक में, आपकी लक्ष्मीकांत में, डीडी बसु में, ठीक है. सो आपने सेम वो आपका 324 उसके अंदर क्या बेसिक चीजें, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, वो सब डिस्कस करना है. सेकंड चीज जिस पे आप आते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली इस कि किस तरह से ईसीआई ने एक रोल निभाया है आपके जो इलेक्शंस हैं
उनको क्रेडिबल बनाने का एंड उनको जो है एक ज़्यादा जो डेमोक्रेसी इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने का, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप जो है इलेक्टोरल कमीशन की जो वेरियस इनोवेशन वो लेकर आते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ से दी ICT VVPAT की बात हो रही है, ECI 360 डिग्री कंप्यूटराइजेशन और इलेक्टोरल सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो इन सब चीज़ों की बात होनी चाहिए। हाउएवर अब बेसिक चीज क्या आता है, अब लकूनस क्या चैलेंजेस है, कौन सी नई थ्रेट्स है जो कि इमर्ज हो गई है। अगेन स्टैंडर्ड आंसर है, काफी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एक थ्रेटन होती रहती है, राइट। आपको बार बार जाना पड़ता है फंड सीक करने, एडिक्वेट पावर नहीं है अगर किसी ने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, किस तरह से आप उनको डील करते हो। अगेन ICT आपने इंक्लूड तो कर दिया, बट अगेन यू हैव टू सी ऑन द साइड ऑफ द पीपल हु आर वोटिंग एक्सेट्रा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साइड पर जो सोशल मीडिया एक्सेट्रा है बहुत ज़्यादा बूम हो गया उसका। ECI के पास कोई पावर नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि हम किस तरह से इसको हैंडल करें। क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अभी रिसेंटली जैसे हुआ था ऑपोजिशन पार्टीज का जो एक बहुत बड़ा एक धब्बा लगा था कि EVMs जो है राइट उनसे रिलेटेड जो इश्यूज उठे थे, राइट, कि क्या आप उनको जो EVMs हैक हुई हैं सो ऑन सो फोर्थ, राइट। एक और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा है विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ECI, ठीक है। यहाँ पे जो है पोलिटिसाइजेशन काफी बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है जिसके थ्रू जो है ECI को इलेक्ट किया जाए, जिसको ECI को अपॉइंट किया जाए, क्या एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। सो एक ये बहुत बड़ा लकून है और शायद इसको इंक्लूड करने के लिए की बहुत जरूरत है, सो दैट कि एक जो इंपॉर्टेंट ऑफिस है उसको पोलिटिसाइज ना किया जाए एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस ना उठाए जाए, राइट। अगेन बेडरॉक है तो इसलिए काफी जो है रिफॉर्म्स की जरूरत है, राइट। यू कैन स्पेसिफाई वेरियस रिफॉर्म्स किस तरह की होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट को एक लॉ बना देना चाहिए विद रिगार्ड टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट, बजट जो है उसको आप चार्ज कर दीजिए ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितने भी फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटेरिएट, ठीक है, उनको आप एक ढंग से सेक्रेटेरिएट का स्टाफ बढ़ाए, पैसा बढ़ाए उस पर, सो ऑन सो फोर्थ। एक्सप्लिसिट और एम्पावर कीजिए इलेक्शन कमीशन को सो दैट वो जितने भी ऑफेंस कर रहे लोग उनको उनके साथ डील कर पाए, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि उनके ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं कर रहे उनसे डील कर पाए, ठीक है। सो ये सारे आपके रिफॉर्म्स को भी सजेस्ट करना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दैट इज विद रिगार्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ट्राइज टू पुश द कॉज ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी फॉर इंडियाज लेबर फोर्स येट फॉल्स शॉर्ट ऑफ रेडिकल रिफॉर्मुलेशन ऑफ द आइडिया ऑफ केयर टेकिंग एंड पेरेंटहुड, ठीक है। अब ये आपने इस आंसर को, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है क्या, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की अगर आप जो 2017 का एक्ट है, राइट, यहाँ पे 2017 था क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो 2017 का आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो किस तरह से जेंडर डाइवर्सिटी का जो है पुश कर रहा है उसको, राइट। हाउएवर उसके अंदर मेजर जो है लिमिटेशंस अब क्या आ गई हैं, तो अब आपके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आया है वो आपके 1961 एक्ट को जो है अमेंड करता है, उसके अंदर कुछ रिफॉर्मुलेशन लाने की जरूरत रिफॉर्मुलेशन लाने की कोशिश करता है। स्टैंडर्ड आंसर है, सबको पता है, 12 से 26 हफ्ते बढ़ा दिया, क्रेच फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो अब एक आपको सबसे पहले तो जरूरी है ये समझाना कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी जो कि इंक्लूड हो गई है एंड किस तरह से वो अब विमेन की हेल्प करती है, ठीक है। साथ ही में अब आपके लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि क्यों ये जरूरत है, साथ ही में इंटरनेशनल जो आपकी वेरियस WHO ऑन सो फोर्थ है वो भी बोलते हैं। तो पहली चीज है कि किस तरह से ये जेंडर डाइवर्सिटी को केटर करता है। पहली चीज है WHO ने बोला हुआ है कि देखिए पहले 24 हफ्तों में बहुत क्रूशियल है कि फॉर द वुमेन्स हेल्थ एज वेल एज फॉर द बेबीज हेल्थ ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर द वुमन डज नॉट हैव द नेसेसरी टाइम कि वो अपनी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ को टेक केयर कर पाए तो क्या होगा, ईदर टू पॉसिबिलिटीज आता है, ईदर द वुमन विल गेट आउट ऑफ द लेबर फोर्स, ठीक है, या उनकी हेल्थ जो है सफर करेगी जिसके कारण अगेन इट विल इम्पैक्ट हर पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स, ठीक है। साथ ही में आर्ग्यू किया गया है कि क्योंकि एक एबसेंस ऑफ एडिक्वेट मैटरनिटी लीव एंड इनकम सिक्योरिटी और इसके कारण जो है अगेन वुमेन एक्चुअली एंड अप ड्रॉपिंग आउट ऑफ द लेबर फोर्स। अब अमेंडमेंट के कारण क्या हो रहा है, किस तरह से जेंडर डाइवर्सिटी केटर हो रही है कि देखिए एक तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट वो प्रोवाइड करेंगे, आपको एक स्ट्रक्चर्ड लीव दिया जाएगा, साथ ही में इनकम सिक्योरिटी जो है जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनको मैंडेट किया गया है टू पे, राइट। सो अगेन उसके लिए भी जो है एक काफी हेल्प है जो प्रोवाइडेड है। साथ ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसने स्टेट किया था किस तरह से इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक काफी लो जो है फीमेल पार्टिसिपेशन एंड वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स इज विद रिगार्ड टू
दी आइडिया ऑफ मदरहुड. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है वो सोचा जा रहा है कि अराउंड 35% ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, एंड इसके थ्रू जो है आपकी GDP पे भी इम्पैक्ट आएगा. अगेन इसमें ये बोला गया है कि आपके फॉर्मल सेक्टर में जितने भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल या कंसल्टेंट पोजिशन के अंदर वुमेन है, ठीक है, सब पे जो है ये सबको जो है ये दिया जाएगा, ये जो इसके बेनिफिट्स है. साथ ही में जो मेटर्निटी लीव जो फंडिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जो इंक्रीज जेंडर डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसके कारण जो है अगेन क्योंकि आपको क्या है अब आपका एम्प्लॉयर है वो पे कर रहा है थ्रू आउट दैट पीरियड टू दैट वुमन. सो ऑब्वियसली व्हेन द वुमन कम्स बैक दे डोंट वांट टू फायर हर बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन दैट वुमन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ मेटर्निटी लीव. राइट, सो ऑफन क्या होता था व्हेन द वुमन आर ऑन लीव, जब वो वापस आती थी तो द कंपनी वुड एंड अप यू नो मे बी पुशिंग दम आउट ऑफ द लेबर फोर्स ऑन सो फोर्थ, बट अब ये जो है एक काफी कॉस्टली डिवाइस हो गया, सो द कंपनीज वोंट एक्चुअली पुश दम आउट. ठीक है, हाउ एवर अगेन काफी लिमिटेशन है इस एक्ट में. ठीक है, वन ऑफ द कोर लिमिटेशन बींग किस तरह से ये पेरेंटहुड को रीडिफाइन नहीं कर पाता. तो पहली चीज है अगेन के जो सेकेंड चाइल्ड है उस पर आपको सिर्फ 12 हफ्ते जो आपके उनको सिर्फ 12 हफ्ते की लीव दी जाएगी. ठीक है, इट विल नॉट अप्लाई टू, सो आपके जो सेकेंड दो बच्चे हो गए अगर आपके, तो उसके बाद जो है आपको 12 हफ्ते मिलेंगे. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द थर्ड चाइल्ड डज नॉट डिजर्व एज मच केयर एज द फर्स्ट टू डू. ठीक है, विच इज अगेन प्रॉब्लमैटिक. अगेन किस तरह से ये जो फाइनेंशियल बर्डन है इसको ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है फॉर वुमेन की इनिशियली उनको कोई हायर नहीं करेगा. साथ ही में ये जो वुमेन सिर्फ जो फॉर्मल वर्क स्पेस में सिर्फ उनको कवर करता है एंड नॉट एवरीवन, राइट, एंड 90% ऑफ द वुमेन आर एक्चुअली इन द इनफॉर्मल सेक्टर. साथ ही में एक कोई रेफरेंस नहीं है टू पटर्निटी लीव. ठीक है, देयर इज नो रेफरेंस टू पटर्निटी लीव, जिसके कारण जो है वो रीइंफोर्स कर रहा है इस पेट्रियार्कल नॉर्म को कि आपका अगर जो बच्चा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पेरेंटिंग केयर गिविंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मदर की है एंड नॉट रियली द फादर. ठीक है, सो इस तरह से आपके जितने एस्पेक्ट्स तो क्वेश्चन है वो डिस्कस हो जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन quite a standard question, talks about discuss the late issue of lateral entry in civil services and its disadvantages and disadvantages. ठीक है, ऐसे जो question है ना, these are show shot questions, these are sitting duck questions, जो कि आपको आराम से solve करने चाहिए. इसका structure बहुत ज़्यादा simple है. Basically आपने बात करनी है कि bureaucracy है क्या. ठीक है, किस तरह से bureaucracy एक important role play करती है, किस तरह से जो bureaucracy का role है वो change होता रहता है, एक dynamic role होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से country की नीड चेंज हो रही है वैसे ही रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी हो जाना चाहिए. कि देखिए अब आपकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेडन वो कंट्री तो रही नहीं 1991 की तरह, जिस तरह से आपकी लिबरलाइजेशन वगैरह हुई है उसी तरह से आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उससे भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है. ठीक है, और यही जो बात है ये ARC एक्सेट्रा में भी हुई थी. तो किस तरह से अब आपकी लेटरल एंट्री का जो आया है आइडिया कि लेटरल एंट्री है क्या, तो आपने लेटरल एंट्री समझाया कि क्या लेटरल एंट्री है. ठीक है, उसके अंदर आपने बता दिया कि गवर्नमेंट क्या लेकर आया है, कौन सा ये पायलट प्रोजेक्ट है वो समझा दिया आपने. ठीक है, अब पहली चीज जिस पे आप आएंगे कि एडवांटेजेस क्या है लेटरल एंट्री के. ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड आंसर है कि किस तरह से आप समझाएंगे, ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स है काफी लेवल्स पे, बसावन कमेटी ने एक पॉइंट आउट किया था कि है, तो इसलिए जरूरी है कि आप एक्सपर्ट्स को लेटरल एंट्री के थ्रू जो है और ले आइए. ठीक है, अगेन काफी लोग जो है जो UPSC के में एग्जाम देके काफी अर्ली एज पे आ जाते हैं, तो मे बी दे डू नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस to be able to actually deal with certain problems. Again, specialized personnel जो आएंगे from different walks of life with their own expertise, जो कि पहले भी आ चुके in planning commission, नीति आयोग, during in your UIDAI. ठीक है, इन सब ने दिखाया है कि किस तरह से एक्सपर्ट्स जब आते हैं बेटर मेजर्स बेटर गवर्नेंस इश्यूज कैन एक्चुअली बी टेकन अप. साथ ही में इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी, राइट, स्पेशलाइज स्किल्स आएंगी, एक्सपर्टीज आएंगी, जिसके कारण जो है आपकी इफेक्टिवली और ज्यादा पॉलिसीज बढ़ेगी लीडिंग टू बेटर बेटर आउटकम्स, राइट. सुंदरेंद्र नाथ कमिटी होता कमिटी इन सब ने ये रेकमेंड किया था. साथ ही में एक एक्सपर्टीज आएंगी, गुड प्रैक्टिसेस वर्क कल्चर आएगा जो वो अपने प्राइवेट एंटरप्राइज से लेकर आएंगे, जो कि आप दूसरों को भी दिखा सकते हैं. ठीक है, जो कि आपकी जो ऑलरेडी इन सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं आप उनको भी सिखा सकते हैं. साथ ही में सिविल सर्वेंट्स विल हैव टू नाउ कंपीट विद देम, सो इसके कारण जो है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन द एफिशिएंसी माइट जस्ट एंड अप इंक्रीजिंग. अगेन प्रॉब्लम्स विद द लेटरल एंट्री विद रिगार्ड टू ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, आप किसको अपॉइंट कर रहे हैं, राइट. साथ ही में फिलोसफी काफी डिफरेंट हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर है, आप किस तरह से रिकनसाइल करोगे. अगेन एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स एंड न्यूली इंडक्टेड वंस में दे कैन बी अ क्लैश, राइट.
अगेन इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल वो हो गया, विल दे बी मोर इन्वेस्टेड इन एक्चुअली पुटिंग इन सो मच एफर्ट, उसका एक प्रॉब्लम है, राइट. सो अगेन ये सारे इशूज आ सकते हैं विद द आइडिया ऑफ लेटरल एंट्री, राइट. हाउ एवर अगेन बेनिफिशियल हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे. तो किस तरह से आप क्या सजेशन आ सकते हैं कि किस तरह से आप इसको इनको अपॉइंट करें सो दैट दे कैन बी यूज टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी. ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन आप इसके अंदर लेके आइए, ठीक है, बिकॉज अफर्मेटिव एक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर इन यूपीएससी कि आप इसके अंदर देंगे कि नहीं, राइट. अगेन कुछ मैंडेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द गवर्नमेंट सेक्टर, राइट. एंड किस तरह से एक एक ओरिएंटेशन सेशन हो सकता है टू एक्चुअली फेमिलियराइज दीज पीपल हु आर कमिंग इन कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्स यू टू एग्जामिन WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसके इम्प्लीकेशन फॉर बोथ द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, निटिग्रिटीज में जाता है तो इसमें बता होना जरूरी है. अगेन आपको स्ट्रक्चरली थोड़ा देखने की जरूरत है चीजें, ठीक है. सबसे पहले जरूरी है पहला पार्ट कि एग्जामिन क्या करना है, आपने जो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो इसके अंदर आपने बताना है कि देखिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है, जब आपका यूरुग्वे राउंड ही चल रहा था तभी उसी टाइम पे ये भी फाइनलाइज हो गया था. तीन बेसिक चीजों से ये डील करता है, आपका इंप्रूविंग मार्केट एक्सेस, ठीक है, कैपिंग सब्सिडीज एज वेल एज जो प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट आप जो रिलेटेड सब्सिडीज है उससे. सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, इसकी डोमेस्टिक सब्सिडीज से लेकर आपकी जो तीन बॉक्सेस है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स जिसके अंदर मोस्टली जो चीजें इंक्लूडेड होती है उनको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना जाता है एंड दोज आर परमिटेड. एम्बर बॉक्स दीज आर द ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, राइट, एंड इसकी जो प्रोडक्शन एक्सेट्रा है उनके ऊपर सिवियर कैपिंग की जरूरत है, राइट. डेवलप्ड कंट्रीज को ये 5%, डेवलपिंग को 10% करने की बात करते हैं. अगेन ब्लू बॉक्स, अगेन ये एम्बर बॉक्स जैसी है बट यहाँ पे प्रोडक्शन लिमिटेशन की बात होती है एंड दीज आर सीन एज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स. इससे हटके एक स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट बॉक्स आया है, राइट, विच इज स्पेशली विद रिगार्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, जिनको जरूरत है, जो कि काफी पुअर है, रिसोर्सेज उनके पास नहीं है और उनके पास बहुत ज्यादा लो इनकम एग्रेरियन डिपेंडेंट जो है पॉपुलेशन है. अब फटाफट हम आते हैं इंप्लीकेशंस पे. इंप्लीकेशंस पे अगेन आपने सबसे पहले डिस्कस करना है जो कि एक प्राइमरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, आपकी नेटवर्क्स लाइक थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क जो है, उनकी जो बेसिक आइडिया कि एक इंबैलेंस क्रिएट कर देता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. द डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्चुअली रेकिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ देम एंड द डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्चुअली सफरिंग, राइट, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की मेन जो सब्सिडीज थी कहां पे फॉल करती थी, आपकी ग्रीन बॉक्स पे, एंड इसके ऊपर कोई ज्यादा कर्टेलमेंट नहीं हुई है एंड मेनली जो सब्सिडीज आई है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज रिलेटेड थी वो एम्बर बॉक्स में आई है, राइट. साथ ही में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने इनफैक्ट देव एंडेड अप क्या हुआ है उनके उन पे सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है, उनकी कम नहीं हुई है बट इनफैक्ट उन्होंने डोमेस्टिक जो उनकी इनडायरेक्ट सब्सिडीज एक्सेट्रा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए. साथ ही में उनकी एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक्सेट्रा जिस तरह की स्पेशल प्रोटेक्शन वो देते हैं वो भी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, लीडिंग टू बेनिफिट्स एक्चुअली कमिंग दिया. यूएस, ईयू, कनाडा जो है बहुत ज्यादा हाई सब्सिडीज देते हैं देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग 160 बिलियन, और इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का जो है एक्शन नहीं हो रहा है. सो इट्स ऑल रोजी फॉर द डेवलप्ड स्टेट्स एज दे वुड स्टेट, राइट. इंप्लीकेशंस फॉर द डेवलपिंग कंट्री, अगेन जो थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क है वो बोलता है कि जो डोमेस्टिक सब्सिडीज है उनको आपको बोला गया कि बहुत लिमिटेड पर्पसेस के लिए होना चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर्स को बहुत ज्यादा कर्टेल करने की जरूरत बोली गई है, ठीक है. मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है उनके पॉपुलेशन को, उसको ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है. एक बहुत ही हिपोक्रेटिक माना गया है डेवलप्ड कंट्रीज का स्टैंड, राइट, बिकॉज इंडिया और चाइना को माना गया कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है इनको कर्व करनी चाहिए, बट दे फेल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट इनके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि ट्राई कर रही है, जिनको एमएसपी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है. अगेन आपका जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड बहुत मेजर इश्यूज है. एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो है दे आर वल्नरेबल टू योर प्राइस फ्लक्चुएशंस, दे आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस, राइट. साथ ही में जो बेस प्राइस ऑफ 1980s, ठीक है, उसको मॉडिफाई नहीं किया गया था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टू टेक इन टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन एंड ऑल, ठीक है. ये पहले काफी बड़ी एक प्रॉब्लम आई थी, ठीक है. ये इनइक्वालिटी जो है काफी और एग्रवेट हो जाती है विद रिगार्ड टू एक जो आइडिया है कि जो सेफगार्ड जनरल सेफगार्ड मेजर है, ठीक है, उस पर जो बात की गई है वो बोला है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अगर वो हार्म करता है, ठीक है, तो आप इसको बंद करा सकते हैं, राइट. और आपको ये प्रूव करना है कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हार्म कर रहा है. सो यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फार्मर्स जो है बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े इनके पास स्टेट्स नहीं है, तो डिस्पर्स्ड है फार्मर्स की पॉपुलेशन, तो ये प्रूव करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. अगेन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि फार्मिंग जो है कमर्शियल उसके लिए हो रही है, वेयर इज ऑन द
इन द डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ऑफ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सो इसको भी इट हैजंट रियली बीन टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, जिसके कारण द डेवलपिंग कंट्रीज आर सफरिंग, राइट. सो यहाँ पे आपने इम्प्लीकेशंस वगैरह पूरा एंड देन यू एंड अप कंक्लूडिंग विद अ स्मॉल पैराग्राफ, राइट, जहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट द एडिशनल सेफ्टी मेजर्स जो कि प्रोवाइड किए गए. हाउएवर दैट हैज आल्सो लेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट. एंड जो पीस क्लॉज का मेजर है एंड किस तरह से दोहा राउंड जो है उसके अंदर मेन बोन ऑफ कंटेंशन यही था. एंड इश्यूज तब तक रिजॉल्व नहीं आएंगे जब तक ये जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, राइट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल एड एंड चैरिटी. एंड इस पे बोला गया है, जो क्वेश्चन बोलता है दैट इज इंटरनेशनल एड एंड चैरिटी मे बी अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एज वेल एज आर्म ट्विस्टिंग. एग्जामिन वेदर इंडिया रिक्वायर्स अ पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनेशनल एड, राइट. सो यहाँ पे बात होती है, अगर स्ट्रक्चरली बात की जाए, ठीक है, केरला फ्लड्स के रिगार्डिंग जो आपका मेन मुद्दा उठ के आया व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड फॉरेन एड, ठीक है. सो यहाँ से ये आ रहा है. सो सबसे पहले है आपने जो बात करनी है कि क्यों ये क्वेश्चन को आप कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट कर दीजिए, ठीक है. सो एक ये हो जाता है कि दिस यू आर अवेयर ऑफ द थिंग, सो मे बी इन योर इंट्रोडक्टरी पैरा मे बी पुट इन अ लाइन, राइट. नेक्स्ट यू हैव टू कम टू द प्रेजेंट पॉलिसी, ठीक है. अगेन आपके वेरियस न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा के अंदर इंक्लूडेड था कि 2004 में ये बनाई गई थी, जहाँ पे ये बोला गया था कि इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू बी मोर सेल्फ रिलायंट, वी डोंट वॉन्ट टू बी कम अक्रॉस एज डिपेंडेंट ऑन एनी वन, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. So that we can grow confident about coping with the situation using internal resources, ठीक है. अब साथ ही में ये भी बात however लिख दी गई थी कि foreign aid and जो participation है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कम्प्लीटली शन कर रहे हैं, बट मे बी फॉर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन ऑन केस बाय केस बेसिस हम इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप इस पूरे उसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की डिस्कशन कीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली अगर आपने बात करनी है विद रिगार्ड टू हैंडलिंग पीपल एंड हैंडलिंग द डिजास्टर्स, ठीक है, यहाँ पे कि नेशनल गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री अगर वो वॉलंटरीली ऑफर करती है असिस्टेंस एज अ गुडविल जेस्चर इन सॉलिडैरिटी, सो सेंट्रल गवर्नमेंट है एज पर द नेशनल डिजास्टर प्लान जो है मैनेजमेंट प्लान उसको एक्सेप्ट कर सकती है. अब किस तरह से फॉरन एड जो है हेल्पफुल हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, राइट. ऑब्वियसली ऑगमेंट कर देगी वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज को. इंडिया ने भी फॉर एग्जाम्पल नेपाल के लिए भेजा ही था. इवन कंट्रीज लाइक यूएस एंड चाइना एक्सेप्टेड फॉरन हेल्प जब उन पे डिजास्टर्स आई थी, तो ये एक मैटर ऑफ प्राइड नहीं बनाना चाहिए, बट ये देखना चाहिए दैट इट इज अ साइन ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी, राइट. लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्सेट्रा के अंदर फॉरेन एड जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है. साथ ही में ह्यूमन सर्वाइवल जो है इन टाइम्स ऑफ कैलामिटी वो आपका प्राइमरी एक गोल होना चाहिए. यहाँ पे आप अपनी पॉलिटिक्स या इश्यूज ऑफ सेल्फ रिलायंस ना लाएं, राइट. हाउएवर कुछ पिटफॉल्स भी आ सकते हैं यहाँ पे विद एक्सेप्टिंग फॉरेन एड, ठीक है. एक आइडिया है कि ऑफन फॉरेन एड कम्स विद सर्टेन स्ट्रिंग्स अटैच्ड, राइट. फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो है आपकी काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, राइट. अगेन इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल वेरियस अदर एक्सेप्टेंस ऑफ एड के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल फूड की कमी होती थी जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन चलाना पड़ा था. सो मे बी इफ सर्टन कंट्री ऑफर्स यू एड और हेल्प एट वन टाइम यू आर सीन एज बींग अलाइंड टू दैट कंट्री, ठीक है. सो अगेन पोलिटिकली इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, ठीक है. अगेन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है जिस तरह से, सो इंडिया को लगता है कि एक्सेप्टिंग एड कैन बी अ साइन ऑफ वीकनेस वन वी वॉन्ट टू बी द वन एक्चुअली गिविंग एड, राइट. जिस से वो नेपाल को दे रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. अगेन आईबी की रिपोर्ट आई है कि काफी फॉरेन फंडेड एनजीओज जो है जो एड प्रोवाइड करते हैं, अगेन ठीक है, दे आर ऑफन हैम्परिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यू कैन गिव देम इन द पिटफॉल्स. हाउएवर एक पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल एड, ठीक है. हाउएवर जब आप ये पॉलिसी बना रहे कौन सी मेन चीज़ें हैं, ठीक है. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसका होना चाहिए कि अगर आपको पॉलिसी बनानी है सो वॉट ऑल डू यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी पॉलिसी एक ढंग की बने. पहली चीज़ सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी बताकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सोर्स ऑफ फंड्स आ रहे हैं फॉरेन से, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, क्या उसके साथ क्या कुछ होल्डर्स है, क्या कुछ साथ में एडेड स्ट्रिंग्स हैं या नहीं, बेनिफिशियरी कौन होंगे इन फंड्स के, कहाँ पे यूज़ करेंगे, किस तरह से हम यूज़ किया जाएंगे. जितने भी फंड्स आएंगे उनको क्लियर तभी करना है आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. साथ ही में टाइमली रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि किस तरह से ये जो फंड्स है आपने यूज़ किए, जो एड आया क्या किस तरह से हुआ, ठीक है. एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ सेक्टर्स आप बना सकते हैं जो कि फॉरेन एड नहीं रिसीव कर सकती, ठीक है. सिर्फ कुछ एनजीओ शायद वॉलंटरीली वो कर सके,
पॉलिटिकल पार्टी को एड ना आए और वो बोले कि हम आगे देंगे, ठीक है। सो एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ सेक्टर्स भी आप जो है बना सकते हैं। तो अगेन एक गुड इंटेंटेड जेस्चर जो है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, बिकॉज अगेन इट अगर आप नहीं करते हो इट अपीयर्स एज एरोगेंट एंड ऑफन डज नॉट रियली सिट वेल विद द इंटरनेशनल रन। सो यू कैन एंड इट विद अ वेल राउंडेड वो कि देखिए ठीक है, हम वी वॉन्ट टू असर्ट आर सेल्व एज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट इम्पार्शल पॉलिसी की ज़रूरत है विद रिगार्ड टू एड, ठीक है, जहाँ पे जो है टारगेटेड जो बेनिफिशरी है उनको भी फायदा हो विदाउट रियली हार्मिंग द इमेज ऑफ द कंट्री, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द 101st अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द 101st अमेंडमेंट एक्ट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फेडरल रिलेशंस इन इंडिया, ठीक है। स्ट्रक्चरली अब किस तरह से बात की जाएगी, पहली चीज है ये अमेंडमेंट क्या है। अब सबको पता है ये अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग है, विद रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे आपने सिर्फ GS3 टाइप क्वेश्चन ही बना देना। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो ये GS2 में भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है आपका, टैक्स से रिलेटेड आप बोलोगे इको में आना चाहिए, राइट, विच इज अ पार्ट ऑफ योर GS3, राइट। थोड़ा सा ये टर्न करके अब क्यों यहाँ पे क्या बोल दिया कि आपने अमेंडमेंट बताना है। अब ये अमेंडमेंट एक्ट किसके अंडर आ गया, GS2 के अंडर आ गया, ठीक है। सो ये ऐसी चीजें काफी बार करता रहता है यूपीएससी, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू राइट द आंसर एंड किस तरह से हम इसको GS3 का आंसर नहीं GS2 का आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली पहले बताएंगे कि देखिए ये अमेंडमेंट है क्या, ठीक है। ये अमेंडमेंट प्रोवाइड क्या करती है, वेरी ब्रीफली आपको बता देना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, GST आया, IGST इसके अंदर आया, सो ऑन सो फोर्थ, किस तरह का कॉम्पेंसेशन ये प्रोवाइड करेगी, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो द निटिग्रिटीज बेसिक फीचर्स जो कि सबको पता है वो आपने इंक्लूड कर देने। नेक्स्ट अगेन आएगा कि क्या इसके बेनिफिट्स होंगे और क्या इसके इश्यूज होंगे। अगेन ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कॉमन रहेंगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटेग्रेशन की बात आएगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कुछ आपकी जो बात आएंगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल एक ही यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करेगा, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी जो है आप अभी बोला जा रहा है कि GDP ग्रोथ को पुश करेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हटा देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देगा, ठीक है। तो जिसके कारण और इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा आ सकती है, टैक्स इवेजन जो है एक मेजर मुद्दा उसको हटा देगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स विल बी वेरी हैप्पी। क्या कंसर्न्स है, अब गवर्नेंस रिलेटेड भी यहाँ पे आ गया। सो इट्स अ वेरी होलिस्टिक, एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल आंसर बनाने की जरूरत है। यहाँ पे इशूज ऑफ पॉलिटी, इशूज ऑफ गवर्नेंस, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पे लैकिंग है, ठीक है। क्या इशू ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है, जो वो यहाँ पे आएगा कि जो GST काउंसिल है वो फाइनलाइज करेगी विद अ वोट ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेंटर के पास 33% हो गए और स्टेट 66% ऑफ द टोटल वो, ठीक है। अगेन स्टेट्स के लेकिन डिवाइडेड होने के कारण दे विल एंड अप लूजिंग अ से इंडिविजुअली, राइट। कौन सी लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन, तो अल्कोहल, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इन सब की है। अगेन आपके मल्टीपल स्लैब्स है जिसके कारण प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, वेरी इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इंपैक्ट ऑफ GST ऑन फेडरल रिलेशंस, ठीक है। तो फेडरल रिलेशंस की अगर बात की जाए, ठीक है, अगेन जो आपके ऊपर वाला हिस्सा है आपको डिटेल्स देने के लिए ज्यादा उसमें दिया गया है। इन योर आंसर वेरी इंपॉर्टेंटली दीज थिंग्स कैन बी कट डाउन, राइट। तो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए, देखिए ये 101st अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, और इसके अंदर इन इन चीज़ों की बात हुई थी वेरी ब्रीफली इन वन पैराग्राफ। नेक्स्ट आपके जो मेन बेनिफिट्स और इश्यूज हैं उनको भी ब्रीफली मे बी इन 4 to 5 points फटाफट एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन जो आपका एक वो आना चाहिए इज विद रिगार्ड टू योर फेडरल रिलेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पहला इंपॉर्टेंट फेडरल रिलेशन आएगा जो आपकी जो स्टेट्स है, हाउ इनकी जो ऑटोनॉमी है दैट इज बीइंग थ्रेटन्ड इन टर्म्स ऑफ जो उनकी पावर है टू इम्पोज टैक्सेस, उसके ऊपर किस तरह से चैलेंज किया जा रहा है, राइट। तो उसके कारण जो है एक जो फेडरल इशू जो है आ सकता है। इकोनॉमिक इंटेग्रेशन, अगेन एक यूनिफॉर्म मार्केट बन जाएगी तो शायद फेडरल रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, राइट, बिकॉज अगेन जितने भी एक मेजर जो मुद्दे उठते हैं वेरियस स्टेट्स के अंदर विद रिगार्ड टू इनइक्वालिटी सो ऑन सो फोर्थ, शायद उनको अच्छे से टैकल किया जा सकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है जो आपकी काउंसिल है, दैट एक्चुअली बिकॉज उसके अंदर कंसेंसस जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके अंदर जो है आपके फेडरल रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ दैट दे कैन बी इंप्रूव्ड। हार्मोनाइज हो जाएंगे आपके GST लॉज अक्रॉस कंट्री, तो हर स्टेट और लेजिस्लेचर के पास जो है अपने GST एक्ट्स होने चाहिए बेस्ड ऑन द मॉडल GST, जिसके कारण जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोविजंस है, तो सम सॉर्ट ऑफ हार्मोनाइजेशन इज देयर, ठीक है। कॉमन डेफिनेशंस जो है वो जरूरी है, कॉमन प्रोसीजर फॉर्मेट्स जो है, जिसके कारण जो स्टेट्स है उनके अंदर भी एक क्लैरिटी बनी रहेगी के क्या होना चाहिए या क्या नहीं, राइट। सो हाउएवर इसके अंदर अगेन जो प्रॉब्लम्स है जो कि लॉट ऑफ स्टेट्स आर रेजिंग कि कुछ स्टेट्स को ज्यादा लॉस हो रहा है एंड कुछ स्टेट्स आर गेनिंग मोर आउट ऑफ इट, राइट। सो ये एक मेजर जो है फेडरल एक इशू उठ के आता है एज
फारस के एक डिफरेंशियल इम्पैक्ट होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इम्पैक्ट होगा ऑन वेरियस स्टेट्स, ठीक है. और यहाँ पे जो सेंटर का रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से वो कॉम्पेंसेट कर पाते हैं एंड जो बाकी स्टेट्स हैं जिनको लॉसेज हो रहे हैं उनको वो ढंग से जो है दे आर एक्चुअली सेटिस्फाइड एंड एट द एंड ऑफ द डे इन द लॉन्ग टर्म बोथ द पार्टीज एक्चुअली एंड अप गेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू योर एम गवर्नेंस. ये जो एम गवर्नेंस का क्वेश्चन है वो आपकी ई गवर्नेंस के वाइडर डोमेन के अंदर फिट होता है, राइट. सो यहाँ पे बात होती है कि वॉट इज एम गवर्नेंस, डिस्कस इट्स रेलिवेंस एंड बेनिफिट्स. अगेन अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे आपने बात करनी है स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, पहली चीज एम गवर्नेंस है क्या, वो है आपकी मोबाइल गवर्नेंस. तो किस तरह से हम मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके गवर्नेंस के जो है उसको केटर कर रहे हैं, चीपर ज्यादा बना रहे हैं, गवर्नेंस को एक्सेसिबल ज्यादा बना रहे हैं, फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज के अंदर हेल्पफुल कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है अगेन आपका क्वेश्चन क्या मांग रहा है, रेलिवेंस क्या है, आज की दुनिया में इसकी रेलिवेंस क्यों बढ़ गई है, एंड नेक्स्ट पार्ट है आपके बेनिफिट्स क्या है. ठीक है, साथ ही में इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है बट ऑलमोस्ट वो आ जाता है कि जब भी आप कंक्लूजन देंगे जो चैलेंजेस इससे रिलेटेड उनको भी आप मेंशन कीजिए. तो रेलेवेंस क्या आती है कि देखिए आज की दुनिया के अंदर जब आईसीटी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, एम गवर्नेंस के थ्रू क्विक और एक्सेसिबल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं इवन इन रिमोट एरियाज, टाइमली डिलीवरी हो सकती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है, साथ ही में क्योंकि लोगों के पास सब कुछ इतनी अवेलेबल है, इतनी जल्दी अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बन जाता है और सिटीजन्स भी जो है एम्पावर हो जाते हैं बिकॉज नाउ देयर इज ग्रेटर अवेयरनेस. साथ ही में जो बिजनेसेस है देव ऑल्सो वो कहना मोबाइल बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है. सो अगेन जो रेलिवेंस है और भी ज़्यादा बढ़ गई है इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. अगेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किस तरह की पॉलिसीज और स्कीम्स चला रही है विद इट्स रिगार्ड, ई क्रांति सबको पता है, डिजिटल इंडिया का आइडिया सबको पता है, साथ ही में गवर्नमेंट ने डेवलप किया है द मोबाइल सर्विस डिलीवरी गेटवे जो कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड द वन वेब अप्रोच जिसके थ्रू जो है जितनी भी सारी गवर्नमेंट साइट्स है सबको जो है दे आर कंप्लायंट विद द मोबाइल डिवाइसेज. अब बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेविंग है, ठीक है, तो आपको जो फिजिकली जाना पड़ता था सो ऑन सो फोर्थ वो सब की जो कॉस्ट है वो सब कट जाएगी. प्रोफिशिएंसी अगेन इजिली एक्सेसिबल है, एक ही क्लिक पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है तो जो वो ऑलमोस्ट जो आपके 19वीं सदी में जो चल रही थी, राइट, विद रिगार्ड टू आपके पेपर्स इतने ज्यादा होते थे, किस तरह से आप उनको कम्युनिकेट करते हैं वो सब बदल जाएगा. इट विल बी मोर डिजिटल, इट विल हेल्प देम कट और जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, जो अननेसेसरी चीजें थी, एंड ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे. अगेन कन्वीनियंट है और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड हो पाएंगे सिटीजन को बिकॉज अब वो फटाफट जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, फटाफट इनको कमांड कर सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो ईजी टू कीप अ चेक कि हाँ इनके मोबाइल से ये हुआ था तो हाँ इन्होंने डिमांड की है, यहाँ पे किस तरह का उस पर रिस्पॉन्स आया, अगर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, राइट, ये सब जो है आसानी से किया जा सकता है. साथ ही में इजी इंटरेक्शन, ठीक है, स्ट्रीमलाइन करते हैं सर्विसेज को क्योंकि ज़्यादा ये वर्चुअल इंटरेक्शन होगी तो करप्शन का जो एक मेन इशू है उसको भी रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं. हाउएवर डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस काफ़ी चैलेंजेस भी रहते हैं, कनेक्टिविटी इशूज है, स्मार्टफोन जो है उनकी पॉसिटी है, डिजिटल इलिटरेसी है, साथ ही में लोगों में काफ़ी बड़ा फियर है ऑफ लॉस ऑफ बोथ प्राइवेसी एज वेल एज डेटा, राइट. बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस मोबाइल गवर्नेंस एक्चुअली इज द फ्यूचर एंड will add to the it add to improving governance in the country, right. चलिए next question है, very important और इस question को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. India and Bangladesh despite facing similar problems have not been able to come up with coordinated solutions for the same, discuss. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि हमारे में इन लोगों के अंदर कौन कौन से मुद्दे, ये नहीं बोल रहे इंडिया और बांग्लादेश में कौन से मुद्दे, वो बोल रहे नहीं इंडिया और बांग्लादेश दोनों कुछ ऐसे मुद्दे फेस करते हैं जो कि सिमिलर है, तो दोनों ही आर इम्पैक्टेड बाई इशूज दैट आर वेरी सिमिलर इन नेचर, हाउएवर इनके ऊपर उनके पास कोऑर्डिनेटेड सोल्यूशंस नहीं आ पाए. तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने ये कॉमन प्रॉब्लम्स बताने हैं, ऐसे कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि दोनों ही कंट्रीज को अफ्लिक्ट करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन ज्यादा बढ़ पाए. ठीक है, तो ये होता है ना कि अगर दो लोगों का दर्द जो है सेम होगा यू विल बी बेटर, यू विल बी एबल टू एम्पथाइज विद द अदर. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली वो मांग रहा है कि कौन सी ऐसी इशूज है जो कि दोनों ही कंट्रीज के कॉमन है, ठीक है, और किस तरह से अगेन इट विल लीड टू कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो अगेन पीएम मोदी ने करंट फेज ऑफ एरा को अगेन गोल्डन एरा बताया था, काफी ज्यादा चीजें हो रही हैं. ठीक है, आपकी यूएन क्लॉज का जो बेसिक आया था आपके विद रिगार्ड टू के आपका जो ई एरिया है आपके विद रिगार्ड टू योर मैरिटाइम जोन, ठीक है, उसके ऊपर इंडिया एक्चुअली एक्सेप्टेड द यूएन क्लॉज का जो
रूलिंग आई थी विच एंडेड अप वर्किंग इन द लॉन्ग टर्म फेवर ऑफ इंडिया बिकॉज अनलाइक चाइना विच इज बीइंग वेरी बुलिंग विद इट्स एटीट्यूड इंडिया केम अक्रॉस एज समवन हु वाज फॉलोइंग द नॉर्म्स सेट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी. साथ ही में जो आपका लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होके हो गया राइट, उसके कारण भी जो है काफ़ी हाई पॉइंट आ गया था. अब कौन से ऐसे इशूज़ है जो कि कॉमन है टू द कंट्रीज, ठीक है. सबसे पहला है लोअर राइपेरियन राइट्स. दोनों ही इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश लोअर राइपेरियन कंट्रीज है, ठीक है. इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ ब्रह्मपुत्र एज वेल एज गंगा, ठीक है. दोनों ही को ये पता है कि एज लोअर राइपेरियन स्टेट्स कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं. दोनों इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं. हाउ एवर बोथ ऑफ देम अगेन एंड अप हैविंग इशूज विद रिगार्ड टू द सेम. फॉर एग्जाम्पल फरक्का बराज एक मेन इशू है जिसके कारण काफी सारे हुए हैं रिलेशन, ठीक है. सो अगेन दे शुड बोथ रियलाइज कि हम दोनों को ये प्रॉब्लम्स है, इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना एंड बांग्लादेश इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. तो किस तरह से बाय लर्निंग विद आवर ओन एक्सपीरियंस वी कैन एक्चुअली कम टू सम कोऑर्डिनेटेड सॉल्यूशन. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अगेन इंडिया ने हाईलाइट किया उसकी वाटर एज वेल एज एनवायरमेंटल कंसर्न्स. फॉर एग्जाम्पल चाइना जो बना रहा है आपका थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक है, जो उनका बन गया मैमथ ह्यूज लार्जेस्ट डैम एवर राइट ऑन द ब्रह्मपुत्र सांगपो जो वहां पे, ठीक है. साथ ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में ये बना रहे हैं आपके इंडस के ऊपर दो ह्यूज डैम्स भाषा एंड बुंजी, ठीक है. सो अगेन इसके रिलेटेड काफ़ी कंसर्न है. बट एट द सेम टाइम सेम तिपाई मुख डैम जो है जो कि बराक पे बन रहा है, बांग्लादेश इज एक्चुअली एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर द सेम. सो अगेन कॉमन प्रॉब्लम है क्या ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज मैमथ डैम्स जो कि दोनों ही इंडिया को चाइना के कॉन्टेक्स में बांग्लादेश इंडिया के कॉन्टेक्स में फेस करता है. सो यू शुड एक्चुअली लर्न अगेन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, ठीक है. रिवर वाटर शेयरिंग इन दिस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ करके सीखा कि किस तरह से ऐसी एक ट्रीटी है कुछ अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी एक्सेट्रा जो है प्रोवाइड कर सकती है. शेयरिंग ऑफ तीस्ता जो एक मेजर इशू है शायद उस पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल अग्रीमेंट जो है करने की जरूरत है ताकि बांग्लादेश एंड इंडिया बोथ कैन एक्चुअली बेनिफिट आउट ऑफ इट. अगेन एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है जो दोनों फेस कर रहे हैं इज विद रिगार्ड टू इलीगल माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, ठीक है. बांग्लादेश के अंदर जो एक इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंग्याज आ रहा है वही बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि यहाँ पे आपके इंडिया में आए जिसके कारण एनआरसी का मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा उठ के आया है राइट. सो यहाँ पे दोनों ही जो कंट्रीज़ है दोनों रेफ्यूजीज एज वेल एज इलीगल माइग्रेंट्स के साथ जो एक जो मेन प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे आप एक तो इलीगल जो माइग्रेंट्स के कारण जो इशूज़ खड़े आ रहे हैं उसको तो आप रिजॉल्व करिए ही, बट साथ ही साथ में जो आपकी ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपकी नेशंस पे आती है आप उनको भी अदा कीजिए राइट. साथ ही में इंसर्जेंसी एंड ग्रोइंग फंडामेंटलिज्म एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है. सो बांग्लादेश के में आपने पढ़ा होगा हैकिंग ऑफ अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट लाइक गौरी लंकेश नरेंद्र धाबोलकर उनके मर्डर्स राइट. सो दिस ग्रोइंग फंडामेंटलिज्म किस तरह से यहाँ पे है और किस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. साथ ही में क्लाइमेट चेंज दोनों ही कंट्रीज के अंदर काफी क्लाइमेट चेंज का एक इशू है काफी उठा हुआ. न्यूमोर आइलैंड जिसके ऊपर इनफैक्ट इंडिया और बांग्लादेश की काफी लड़ाई हो रही थी दैट आइलैंड इटसेल्फ हैज ड्राउन्ड, ठीक है. दोनों ही जो कंट्रीज है काफी हाई काफी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है साथ ही में. तो किस तरह से इन क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज के ऊपर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी दोनों ही स्टेट्स राइट, क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन है तो एनर्जी डेफिसिट होती एनर्जी की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है. तो रिन्यूएबल एनर्जी पे आप किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. अगेन बोथ हैपन टू बी डेवलपिंग कंट्रीज एंड उनसे रिलेटेड इशूज जो है कॉमन प्रॉब्लम है. दोनों ही इंडिया बांग्लादेश एग्रेरियन कंट्रीज है, ह्यूज रेट्स ऑफ पॉवर्टी है राइट. सो इट इज इंपॉर्टेंट मे बी टू इनकरेज रीजन इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटीज राइट. फॉर एग्जाम्पल आपका BBI एंड बिम्स्टेक एक्सेट्रा जो है इनके इन पे ज्यादा अगर आप इनके वेरियस अग्रीमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे सो इट कैन एक्चुअली टेक बोथ द कंट्रीज लॉन्ग वे. इंडिया कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बांग्लादेश में जिस तरह से हुई है विद रिगार्ड टू ओपन डेफिकेशन विद रिगार्ड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है. तो इन सब पे आप जो है आप यू कैन लर्न अलॉट. चाइना का अगेन यहाँ पे जो है एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह भी देखा जा सकता है किस तरह से इवन तो चाइना जो है बांग्लादेश को इंक्लूड करके BRI जो है उनको काफी पुश कर रहा है बट अगेन जिस तरह से चाइना की मेजर प्रॉब्लम है विद ऑल द कंट्रीज वो बांग्लादेश के साथ भी रहती है ह्यूज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर बांग्लादेश और चाइना जो है ज्यादा कोऑर्डिनेट करे तो वो जो है ये जो एक विशेष साइकिल ऑफ डेफिसिट ट्रेड है उसको उस पर दे कैन एक्चुअली वर्क टुगेदर, ठीक है. अब मेजर्स लिए गए हैं विद दिस रिगार्ड इंडिया की लाइन्स ऑफ क्रेडिट ऑफ नियरली 3 बिलियन टू बांग्लादेश जो कि ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो रही है. काफी कोऑपरेशन हो रही है इन पावर एंड एनर्जी सेक्टर राइट विद रिगार्ड टू बेरामरा एंड ब्रह्मपुर
बहरामपुर त्रिपुरा साउथ कमिला इंटरकनेक्शंस, प्राइवेट सेक्टर भी जो है यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, ग्रोइंग सिविल न्यूक्लियर एनर्जी आपकी कोऑपरेशन है यहाँ पे राइट. साथ ही साथ में जो दोनों कंट्रीज है रेल नेटवर्क्स भी जो है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अखौड़ा अगरतला के बीच में, कोलकाता टू ढाका के बीच में राइट. सो अगेन एक हिस्टोरिक बेनिफिट्स है. और अगर हम रियलाइज करें कि देर आर लॉट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स और हमको कॉमनली परस्यू करने की कोशिश करें, सो म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों ही गेन हो सकते हैं एंड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कैन अचीव अ न्यू हाई इन दिस रिगार्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा आता है अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, डिस्कस वेदर इट हैज बीन एबल टू सर्व द कॉज ऑफ वुमेन इन द कंट्री. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये 15 मार्कर क्वेश्चन है. अब पॉइंट के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने अभी कैच किया इस क्वेश्चन में. ऑफन ऐसे जो कमीशंस एक्सेट्रा होते हैं ना, हमने उतना ही पढ़ा होता है लक्ष्मीकांत एक्सेट्रा से. सो काफी जो इनसाइसिव पॉइंट्स होते हैं विद रिगार्ड टू एनालिसिस एक्सेट्रा, वो हम लिखना कई बार भूल जाते हैं. अब 15 मार्कर है, अब इसके अंदर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत का वो एक चैप्टर लिखाओगे ठीक है, तो यू आर नॉट रियली आंसरिंग द क्वेश्चन राइट. सो इसके अंदर जरूरी है कि आप क्वेश्चन देखें ठीक है, और ये भी देखें कि इसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. सो स्ट्रक्चरली वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है. पहला जो पार्ट है अगेन क्वेश्चन का काफी इजी हो जाता है बिकॉज दिस इज दैट स्टैंडर्ड आंसर कि नेशनल कमीशन क्या है, क्या इसकी पावर्स हैं, क्या क्या ये काम करता है, सो ऑन सो फोर्थ राइट. सो स्टैंडर्ड ठीक है. नेक्स्ट जो आपका मेन इशू वाला पार्ट आता है जो कि एनालिसिस जिस यहाँ पे चाहिए, वो बोलता है डिस्कस वेदर इट हैज बीन एबल टू सर्व द कॉज ऑफ वुमेन इन द कंट्री. ये आपका एनालिटिकल पार्ट हो गया और यही है जो आपको मार्क्स दिलवाएगा या मार्क्स जो है आपके काटेगा ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी यहाँ पे आपने डुअल वो एक एनालाइज करना है कि हाँ इन्होंने दे हैव केटर टू द कॉज ऑफ द कंट्री, केटर टू द कॉज ऑफ वुमेन ठीक है. तो इसके रिलेटेड आपने पॉइंट लिखने एंड सेकेंडली चैलेंजेस, चैलेंजेस में जहाँ पे आएगा कि किस तरह से जो फुलफिल नहीं कर पाए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वुमेन ऑफ द कंट्री एंड क्यों नहीं कर पाए हैं वो, एंड एंड में ऑब्वियसली सजेशंस एंड चैलेंजेस कि किस तरह से ये जो वुमेन का रोल है, जो वुमेन की एम्पावरमेंट है, द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी, उसको और बढ़ाने में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ठीक है. सो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट तो सबको पता है, नेशनल कमीशन क्या है, 1990 में एस्टैब्लिश हुआ, चेयरपर्सन होता है, वेरियस के 5 मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ ठीक है. मेन जो आपका पार्ट आता है वो किस तरह से अब कॉज फॉर वुमेन के अंदर जो है क्या क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, सो ये उनके आपको एनालाइज करना है ठीक है. सो यहाँ पे द मेन थिंग दैट फर्स्टली कम्स अक्रॉस इज कि किस तरह से जो कमीशन है काफ़ी उन्होंने ऑन द स्पॉट इंक्वायरीज ली है, इन्वेस्टिगेशंस किए, तो वो जो उनका इन्वेस्टिगेटिव या इंक्वायरी एक सेल होता है ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ठीक है. इस इंक्वायरी सेल ने काफ़ी वुमेन रिलेटेड इशूज, वेदर इट इज अट्रॉसिटीज ऑफ द पुलिस ऑन वुमेन इन वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री राइट, या फिर रेप्स, सेक्शुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन, सो ऑन सो फोर्थ ठीक है. इनके ऊपर किस तरह से उन्होंने इंक्वायरीज बिठाएंगे. अगेन जेंडर प्रोफाइल्स उन्होंने प्रिपेयर किया ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज ठीक है. वुमेन रिलेटेड इशूज जो उन्होंने टेकअप किए, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा जो उनका मेजर एक अचीवमेंट था वॉज द पारिवारिक महिला लोक अदालत, विच इज एन ऑल्टरनेटिव रिड्रेसल मैकेनिज्म राइट, जहाँ पे म्यूचुअल सेटलमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है. लीगल सेल के थ्रू जो है काफ़ी लॉज जो है रिव्यू किए गए हैं, बी ए द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, द PNDT एक्ट जो आपका प्रीनेटल एक्ट है, इंडिया इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 राइट, इन सब के थ्रू जो है ज़्यादा इनको स्ट्रिंजेंट एंड इफेक्टिव भी बना दिया गया है. अगेन काफ़ी क्रूशल सजेशंस आपके आए थे यहाँ पे, आपका जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था जहाँ पे राइट्स ऑफ माइनर वुमेन या राइट्स ऑफ जो आपकी वुमेन ऑफ अनसाउंड माइंड है उनके रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई गई थी. साथ ही में इन्होंने स्ट्रेंथन किया था आपका, जैसे ही बता दिया गया, द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट उसको. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपका रिसर्च एंड स्टडी सेल है ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वुमेन आर ऑफन पुश्ड आउट ऑफ ठीक है, वुमेन को ऑफन जो है पुश आउट कर दिया जाता है, उनके बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रही होती इन द मेन स्ट्रीम, इन द हार्डकोर एकेडमिया. सो इनका जो रिसर्च प्रमोशन सेल है ये स्पेशली फोकस करता है कि वुमेन की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको पढ़ा जाए, उनके ऊपर जो उनको स्टडी किया जाए ठीक है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टडीज की जाए ताकि जो स्पेसिफिक वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाए ठीक है. सो ये सारी जो चीज़ें हैं दे हैव एंडेड अप हेल्पिंग द कॉज ऑफ वुमेन. हाउएवर कुछ चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं जिनके कारण जो इंटरेस्ट ऑफ वुमेन है वो फुली जो है नहीं केटर हुए. फॉर एग्जाम्पल जो NCW अगेन इट इज डिपेंडेंट फॉर इट्स फंड्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत कम इनको मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस राइट. अगेन जो मेंबर्स है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट
कोई उनकी प्रॉपर से खुद की कमीशन की नहीं है, और कौन ये पर्सन होगा अगेन बहुत ही वेग रहता है. फॉर एग्जांपल जो चेयरपर्सन है उसको सिंपली बोला हुआ है दैट वो एक ऐसा इंसान होगा हु इज बीन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन. अब ये कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन कौन है, ठीक है? सो आप डेफिनेशनली उनको प्रोवाइड कीजिए या सब्जेक्टिवली आप किसी को भी बिठा देंगे, राइट? अगेन जो रिकमेंडेशंस आती है बाइंडिंग नहीं होती है. ऑफन ये एक्शन सिर्फ तब लेते हैं, इवन तो इनके पास स्लो मोटा एक्शन लेने का है आइडिया, राइट? बट एक्शन सिर्फ तब लेते हैं जब इश्यूज हैव बीन ब्रॉट टू द लाइट, ठीक है? अनरिपोर्टेड काफी केसेस ऑफ सप्रेशन एंड ऑपरेशन जो कि इग्नोर किया जाता है. अगेन जो NCW की ज्यूरिसडिक्शन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में तो है ही नहीं, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर इज आउटसाइड इट्स मैंडेट. साथ ही में जो आपका नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट था ना, वो डज नॉट, वो सिर्फ नेशनल कमीशन बनाता है, वो कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं डालता स्टेट्स के ऊपर कि आप स्टेट्स के अंदर भी कमीशन बनाइए. सो ऑफन क्या होता है, अब एक ही नेशनल कमीशन इतने सारे मुद्दे जो कि ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, सो उनके पास ना इतनी मैन पावर है ना उनके पास इतने फाइनेंशियल एबिलिटी है कि वो इन सारे मुद्दों को साथ इफेक्टिवली डील कर पाए. बिकॉज ऑफ विच वॉट हैपन्स इज दैट बेसिकली योर the women's cause isn't adequately catered to. तो यहाँ पे भी जरूरत है कि आप सारे जो आपके स्टेट्स हैं उनको आप मैंडेट कीजिए कि प्लीज आप भी जो है स्टेट लेवल पे एक कमीशन बनाइए टू एक्चुअली कैटर टू द वुमेन्स कॉज, राइट? सजेशन ऑब्वियसली आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? कि आपके पास पावर हो टू सेलेक्ट इट्स ओन मेंबर्स ट्रांसपेरेंटली, ठीक है? फेयर नॉलेज होनी चाहिए ऑफ लॉ सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो. जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कीजिए, स्टेट्स को बोलिए कि आप लाइए, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है ताकि रूरल वुमेन को भी पता लगे कि कौन कौन से राइट्स हैं उनके पास जो कि अवेलेबल हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंटली जो आता है विद रिगार्ड टू कोलिजियम सिस्टम. नाउ द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द कोलिजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, डिस्कस इट्स रेलेवेंस एज वेल एज नीड फॉर चेंज, ठीक है? ये कोलिजियम सिस्टम आपके एक प्रीवियस उसमें भी डिस्कस हो चुका है, वेरी रिसेंटली इट वॉज डिस्कस्ड इन द QRS. ये एक आंसर जो है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था हमने, अगर आप यू विल लुक एट द वीडियो, ठीक है? तो वही ये आंसर है कि जहाँ पे पहले आप इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि कोलिजियम सिस्टम है क्या, उसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई है, किस तरह से ये अभी भी रेलेवेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिसाइजेशन को हटाने के लिए, कमिटेड जुडिशरी ना बने, कोई और बेटर मेथड नहीं है उसके कारण, ठीक है? जो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको केटर करने के लिए प्रॉब्लम्स क्या है, अगेन वो डिस्कस कर दी गई थी कि आपकी जो बेसिक कोलिजियम सिस्टम है अनडेमोक्रेटिक होता है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, वैकेंसीज जो इतनी सारी भरी पड़ी हैं उसको ये नहीं कर पाया है, फुलफिल नहीं कर पाया है. क्रिटिसिज्म जो लॉ कमीशन में आया है, किस तरह से नेपोटिज्म करप्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, RTI के अंडर नहीं है ये सारा प्रोसीजर, ठीक है? सो ये सारे जो एक इशूज़ है, और साथ ही में एंडिंग इट अप विथ कि आपके MOP को रिकोगनाइज किया था, इवन तो NJAC हटा दिया था, MOP को एक की जो ज़रूरत आई थी, एंड किस तरह से एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों की कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है टू ब्रिंग इन टू प्लेस योर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ठीक है? लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन says once a buzz with activity by seekers of environmental justice, the National Green Tribunal, which is your NGT, now wears a forlorn look, its earlier vibrancy no longer visible. ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है. बेसिकली आपको क्या बोला गया है कि आपने इवेल्युएट करना है द रोल ऑफ NGT इन सिक्योरिंग एनवायरमेंटल जस्टिस, एवोल्यूशन ऑफ द बॉडी एंड द चैलेंजेस फेस बाय इट. सो बेसिकली किस तरह से बॉडी जैसे जैसे इवॉल्व होती गई है, तो इसकी जो एक कोर आइडिया था और जो जिस काम के लिए बनाई गई थी, किस तरह से इट वॉज वेरी एक्टिव मे बी इन द बिगनिंग, बट स्लोली एंड स्टेडली इसकी जो पावर्स है काफ़ी कर्टेल कर दी गई है. एंड जिस तरह से ये जितना अर्लियर ये एक्टिव होता था, कुछ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स सम ऑफ इट्स ओन मेकिंग, सम जो कि बाहर से आई हैं उनके कारण जो है NGT इज नो लॉन्गर द पावरफुल एक्टिविस्ट बॉडी व्हाट इट यूज्ड टू बी. ठीक है, तो फटाफट स्ट्रक्चरली देख लेते हैं ये जो आंसर है. पहली चीज जो आती है कि क्या है NGT, बेसिक इसके फीचर्स क्या है, और इसी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है कि NGT की जरूरत क्या पड़ी. तो 2010 में फाइनली जब आपका NGT बना दिया गया था थ्रू दी एक्ट, आफ्टर योर MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया केस जो आपका पहले आया था, जिसके कारण जो है ये फील किया गया था. तो पहले सुप्रीम कोर्ट आपके वेरियस जुडिशरी ने ही वेरियस जो स्टेप्स लिए थे, जिस तरह से उन्हें ग्रीन बेंचेस बताए थे, इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात की थी. फाइनली 2010 में जाके आपका NGT जो है एग्जिस्टेंस में आया था. एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत थी विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज, ठीक है? सिविल क्रिमिनल
जुरिसडिक्शन की जरूरत थी ताकि जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको आप फटाफट जो है रिजॉल्व कर सके। लॉन्ग रन जो लिटिगेशन है, जो कॉम्पेंसेशन है जो कि मिलनी चाहिए टू दो पीपल जिनके जो डैमेजेस वो सफर कर रहे हैं, या फिर जो नेचर है जिसको डैमेज किया गया है उसको आपने कैसे करेक्ट करना है, उसके लिए जो है एनजीटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी। और एनजीटी ने काफी ज्यादा काम किया है राइट इन टर्म्स ऑफ गंगा को प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपकी जो डीजल व्हीकल्स के ऊपर बैन है उसको लेके, ठीक है, जो क्लियरेंस उन्होंने हटा दी थी विद रिगार्ड टू कोल ब्लॉक्स, वेरी रिसेंटली जो कि श्री श्री रविशंकर का जो यमुना बेड पे हुआ था, ठीक है, किस तरह से उसको हार्म हुआ। सो वेरियस इंपॉर्टेंट मेजर्स हैव एक्चुअली बीन टेकन विच एक्चुअली प्रूव दैट एनजीटी यूज टू परफॉर्म अ ग्रेट रोल राइट, स्पेशली द फैक्ट के एक नेचुरल जस्टिस का जो आइडिया है, एक जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था उसको फॉलो करने के लिए बोला गया था एनजीटी को, तो किस तरह से actually been going beyond the conservative idea of civil judiciary, civil procedure to actually take up matters theek hai more holistically theek hai। हाउएवर जो चैलेंजेस जिसके कारण अब जो एनजीटी है जो फेस कर रहा है, पहली चीज़ तो काफ़ी जो लॉज है रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी उनमें से कुछ लॉज जो हैं जो अभी भी उसके एम्बिट में नहीं आते, फॉर एग्जांपल द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, या फिर कोई जो लॉ जो स्टेट्स लैक करते हैं विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट ट्री प्रिजर्वेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो इन चीज़ों के लिए वन हैज टू अप्रोच दी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही में पहले ग्रीन बेंचेस एग्जिस्ट करते थे, बट उसके बाद क्या हो गया था, जब एनजीटी आया था उन्होंने बोला था कि अब जो इसकी अपील होगी वो बेसिकली आप एससी में ही जाएंगे इसके फाइनल के बाद, ठीक है। हाउएवर अब क्या हुआ, यहां पे ये हटा दिया गया और बोला गया कि ये जो आर्टिकल अंडर 226 के अंडर तो बेसिकली आप हाई कोर्ट को सरपास नहीं कर सकते हो, तो इसलिए अब क्या होता है, अब ये मल्टीपल अपील्स हो रहे हैं, तो एनजीटी की ऑलमोस्ट रेलेवेंस खत्म होती जा रही है, क्योंकि आप अब एनजीटी के को हटाने के लिए एनजीटी का जो भी ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट आप पहले ही हाईकोर्ट में चले जाते हैं। साथ ही में जो बॉडी है इसके पास वो मोटर पावर्स नहीं है। साथ ही में ये भी बोला गया है कि अगर कोई भी प्रोविजन है, एक मेन प्रोविजन है कि जो ट्रिब्यूनल है अगर आफ्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, विद इन 6 months एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी जब वो उठी उसके विद इन 6 months जो है आपको जाके बता देना चाहिए, ठीक है, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो फिर आप नहीं जा सकते। अगेन कुछ सब्सटैंशियल गेन्स नहीं आए हैं डिस्पाइट देयर वेरियस ऑर्डर्स एक्सेट्रा, इनएडिक्वेट बेंचेस है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही है, पहले होती थी काफ़ी ज़्यादा बट अब बैकलॉग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगेन इवॉल्व हुई है बॉडी इन टर्म्स ऑफ किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है, और अब धीरे धीरे जो है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर एक्सेसिवली उसके पास एक्सेसिवली पावर्स हो गई हैं, इट इज़ डोमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री एंड जो एनजीटी है नाउ इट हैज टू टो द लाइन ऑफ द मिनिस्ट्री राइट, जिसके कारण जो है अगेन देयर इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगेन एनजीटी का जो है जिस तरह से उनको एनविसेज किया जा रहा है, इट हैज बिकम अ मोर डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, एंड एनजीटी को अब किस तरह से देखा जा रहा है कि जो एनजीटी है इट इज नॉट केटरिंग टू द कॉज ऑफ डेवलपमेंट, एंड ऑफन जो पीपल उनको अप्रोच करते हैं एनजीटी उनको, इनफैक्ट रिसेंटली जो इनके चेयरमैन अपॉइंट हुए थे जस्टिस गोयल हैज कोटेड सेइंग के अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु कम टू आर अस आर ब्लैकमेलर्स, ठीक है। सो अगेन ये काफ़ी जो मुद्दे हैं ये उठ के आए हैं राइट। सो अगेन देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी रिजॉल्व, एंड टाइम एंड अगेन इवन दो एनजीटी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, ज़रूरी है कि एनजीटी खुद भी जो है काफ़ी जो अपने केसेज हैं उनको ढंग से एनालाइज करें, बिकॉज एनजीटी हैज़ टू रियलाइज दैट यू हैव टू बैलेंस डेवलपमेंट एज वेल एज एनवायरमेंट। तो आपका फॉर एग्जाम्पल जो ओखला केस आया है, न्यूट्रीनो का केस था, उसके कारण काफ़ी डिबेट उठ के आई। साथ ही में ज़रूरी है कि उसको पार्टिसिपेटरी नेचर का करें, ठीक है, लोगों का अगेन इसके अंदर जो है स्टाफ की तो ज़रूरत है ही है, बट नॉर्मल कॉमन पीपल शुड ऑल्सो भी इट शुड बिकम मोर एक्सेसिबल एंड अप्रोचेबल। साथ ही में पोलिटिसाइजेशन एंड जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको भी मिनिमाइज करने की ज़रूरत है इफ एनजीटी नीड्स टू कंटिन्यूसली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म इट्स रोल राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कम टू इज कि जैसे इंडिया एंड भूटान रीच हाफ सेंचुरी ऑफ टाइज, द टू नेबर्स इनकाउंटर न्यू एवेन्यूज ऑफ कन्वर्जेंस एज वेल एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है यू शुड नो 2018 जो था 50 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप इन दोनों के बीच में जो है सेलिब्रेट करना था, सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि पहले तो देखिए हमको पता है कि ये फ्रेंड्स है राइट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, पहली चीज़ कि कौन से एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है, जहाँ पे कोऑपरेशन हो रही है, जहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड दूसरे कौन कौन से नए प्रॉब्लम्स जो हैं जो इमर्ज हो रहे हैं राइट बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है। तो चलिए पहली चीज़ हम फटाफट यहाँ पे बता देते हैं, जो हमारी इंडिया और भूटान के बीच में कोऑपरेशन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है जो बेसिक एक फाउंडेशन ले करती है। हाउएवर अगेन इसको रिवाइज किया गया था एंड एक नई जो है ट्रीटी आई थी आपकी जो आपकी 2007 की
ट्रीटी थी राइट, विच एक्चुअली डेल्ट विद द इंडिया भूटान इशू राइट, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी राइट, विच वॉज और इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस थे वो ले आए थे. ठीक है, अगेन नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बात की है अबाउट भारत टू भूटान बी टू बी विजन. ठीक है, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वेरियस एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, सबसे पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो आपकी आई, ठीक है, भूटान को उन्होंने विजिट किया राइट. सबसे पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर अगेन भूटान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउएवर अगेन पीसी स्तोपदार ने एक पॉइंट आउट किया कि अनलाइक नेपाल, भूटान ने कभी चाइना कार्ड भी जो है प्ले नहीं किया है. रिपीटेडली उन्होंने चाइना को दे ट्राई टू कीप देम एट बे राइट, स्पेशली जब हम हमारा डोकलाम इशू आया था उसके ऊपर भी उन्होंने किस तरह से हेल्प की. इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल चाइज जो है जो आपकी, ठीक है, सो इंडिया किस तरह से उनका सपोर्ट करता है, जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड जितने भी उनकी वेरियस अग्रीमेंट्स है, इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर जा रहे उसके ऊपर आपका बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. साथ ही में एडुकेशन एंड कल्चरल टाइज, ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन क्या क्या कोलैबोरेशन है. ठीक है, साथ में बुद्धिज्म किस तरह से एक मेजर टाई है बिटवीन द टू कंट्रीज राइट. साथ ही में हिस्टोरिकली इंडिया इज बीन सीन एज अ वेरी हेल्पफुल बेनोवोलेंट नेबर, तो वो देखने जरूरी है. हाउएवर मेन जो पॉइंट्स आते हैं आपके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग क्या है. ठीक है, ऑफन इंडिया एंड भूटान के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती बिकॉज ये 50 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप है. यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप एक होलिस्टिकली देखें. ठीक है, सबसे पहले सी राजा मोहन ने आपके वेरियस, आपको पता ही है हिंदू के इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहते हैं, सो उसमें से ही है कि इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि एक ये डिस्कार्ड करे द आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल ऑफरिंग ऑफ इकोनॉमिक सब्सिडीज. ठीक है, जिस तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट इकोनॉमिक सब्सिडी देते रहते. ठीक है, और आप एक मोर इगैलिटेरियन अप्रोच फॉलो कीजिए जहां पे जो आपके प्रेजेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल हैं, ठीक है, दे आर मेड ऑन कि आप उतनी ही रिस्पेक्ट कीजिए कि सिर्फ हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भूटान भी जो है हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है. साथ ही में डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सिडीज एंड सपोर्ट दिए गए हैं टू द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इंडिया को. इनफैक्ट भूटान जो है सिर्फ 5% जो है यूज करता है, जो वो खुद जेनरेट करता है, बाकी सब इंडिया को ही जा रहा है. बट हाउएवर जो पेस ऑफ कंप्लीशन है इन दिस प्रोजेक्ट्स इट हैज बीन एक्सट्रीमली स्लो व्हिच हैज लेड टू प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू. साथ ही में जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है इन हाइड्रो पावर, ठीक है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है कि वो जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्क्वीज आउट कर रहे हैं, एंड जो भी ग्रोथ हो रही है भूटान में काफी जॉबलेस ग्रोथ है. साथ ही में इंडिया के व्यू पॉइंट से एक ये कंसर्न आया कि जो भूटान के भूटनीज हैं राइट, वो बहुत ज़्यादा रेस्टिव एंड डिमांडिंग हो रहे हैं राइट, एंड इंडिया ने जो कट डाउन की है एड, दैट एक्चुअली रियली मिफ्ट देम. साथ ही में भूटान एंड चाइना के तो इवन दो फॉर्मल टाइज नहीं है, बट चाइना हैज़ बीन एक्सेसिवली पुशिंग, ठीक है, फॉर ओपनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक चैनल विच मे लीड टू प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड इवन दो चाइना का नहीं यहाँ पे प्ले हो रहा है, हाउएवर जो आपके पहले डेमोक्रेटिकली DPT की जो आपकी गवर्नमेंट आई थी, देर एक्चुअली स्टार्टिंग हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद चाइना. एंड यहाँ पे जो है एक देखा गया था कि इंडिया बहुत DPT के अगेंस्ट हो गई थी, एंड DPT वॉज एक्चुअली थ्रोन आउट ऑफ पावर. ठीक है, तो यहाँ पे एक जो आइडिया है कि जिस तरह से नेपाल के अंदर काफ़ी एक इल्ज़ाम लगते हैं ऑफ डोमेस्टिक एंड पोलिटिकल इंटरफेरेंस, इंडिया हैज़ टू स्टे क्लियर ऑफ दैट पाथ कि भूटान काफ़ी हैड टर्न्ड अगेंस्ट इंडिया जब ये DPT वाला इशू हुआ था. सो इंडिया हैज़ टू कीप इन इट्स माइंड दैट इवन द फॉरन पॉलिसी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बट अगर आपने उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी एंड डोमेस्टिक आपकी जो उनकी उनकी पॉलिटिक्स हैं उनमें आपने इंटरफेयर करने की कोशिश की, इट वॉन्ट एक्चुअली बेयर ग्रेट फ्रूट्स फॉर इंडिया इन द लॉन्ग टर्म राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. The next question says, NGOs while offering alternative notions of development are often criticized as bastions of the educated elite critically analyzed. ठीक है, अब ये question जो है again इसको आपने NGOs वगैरह जो है आपके एक important पार्ट है ऑफ GS2. ठीक है, अगेन आपके जो वेरियस IB रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वेरियस ग्रीन पीस के ऊपर जो आपके और बाकी 9000 वेरियस आपके जो NGOs थे उनके ऊपर रोक टोक जो हुई थी, कीपिंग दैट इन माइंड दिस इशू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आपने अप्रोच करना है, पहले आपने बताना है NGO देखिए है क्या. ठीक है, NGO जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनके काम क्या है, कब इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, सो ऑन सो फोर्थ. नेक्स्ट यू हैव टू गो ऑन टू द रेलेवेंस. ठीक है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि NGOs कंटिन्यू टू एक्चुअली हेल्प. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही थी, ऑल्टरनेटिव notions of development. ठीक है, सो पहले आपने एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से ये NGOs जो है alternative ideas of development देते हैं और क्यों ये important है,
बोथ एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल. सेकेंड पॉइंट पे आपने जाना है कि इनका जो मेन क्रिटिसिज्म है दैट दे आर डोमिनेटेड बाय द एजुकेटेड एलीट. क्या ये ट्रू है, ठीक है, और क्या इसको करेक्ट किया जा सकता है या नहीं, ठीक है. सो आफ्टर वी एक्सप्लेन कि क्या है एनजीओ, ठीक है, उसके बाद जरूरी है ये बताना कि किस तरह से ऑल्टरनेट डेवलपमेंट का जो आइडिया है उन्होंने ये आगे रखा है, राइट. साथ ही में फॉर एग्जांपल आपके यूएन स्टेट ऑफ वर्ल्ड वॉलंटियरिज्म की अभी रिपोर्ट आपकी 2015 की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से पार्टिसिपेशन सिविक एंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट को ज्यादा पार्टिसिपेटरी नेचर बनाते हैं, गवर्नेंस ये इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं. एंड एनजीओ दोनों ही इंडिया के अंदर एज वेल एज इंटरनेशनल में उन्होंने मेनस्ट्रीम डेवलपमेंट को काफी क्वेश्चन किया. तो फॉर एग्जांपल कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के अंदर बाय एंगेजिंग विद द लोकल कम्युनिटी किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या कितना ये सेफ है या नहीं, राइट. साथ ही में वेरियस और आपके एनजीओज है लाइक सेवा एकलव्य, कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टू एक्चुअली पुश द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको मेयरली इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता, बट एक ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया जो है उसमें देखा जा सकता है, राइट. साथ ही में किस तरह से फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लेवल पे बैटल फॉर सियाटल जो आई थी, जिन्होंने जो आपके न्यू लिबरल इकोनॉमी है उसके अगेंस्ट जो एक मुद्दा रखा था, अगेन एनजीओ यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. अगेन क्रिटिसिज्म इनका न्यूमरस फंड्स पे आया है, दोनों ही नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली इनके आप देख सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए इन टर्म्स ऑफ द क्रिटिसिज्म, ठीक है, सो एजुकेटेड जो आपके एलीट है, राइट, जो ये एलीट है उसको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, राइट, सो यहाँ पे आप बोलते हैं कि जो काफ़ी इंटरनेशनल एनजीओज है वो डोमिनेटेड बाय द नॉर्दर्न डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, जिसके अंदर वेरियस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द ग्लोबल साउथ, ठीक है. सो ये पहला इंटरनेशनल एलिटिज्म यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया. साथ ही में वेरियस डोनर एजेंसीज जो यहाँ पे आती हैं वो बोलते हैं कि ये डोनर एजेंसीज अकाउंटेबल नहीं है टू द गवर्नमेंट, जिसके कारण जो है काफ़ी मुद्दे उठते. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ही काफ़ी 9000 एनजीओज को देखा गया कि वो एफसीआरए के वेरियस वायलेशंस कर रहे हैं. अब नेशनल लेवल पे किस तरह के मुद्दे जो है उठ सकते हैं, राइट, सस्पिशन है कि एंटी डेवलपमेंट है काफी ये जो एनजीओज है. आईबी की जो रिपोर्ट आई थी कि ये जो एंटी न्यूक्लियर एंटी एक्सट्रैक्टिव एंटी जीएमओ जो वेरियस एक्टिविटीज है दे आर हिटिंग द जीडीपी बाय 2-3%. अगेन एनजीओज को देखा गया दैट दे आर बीइंग कोऑप्टेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, के एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है उनका यहाँ पे रोल है. फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आप का जो एनजीओ था विच वॉज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पीपल, राइट, जो कि आपके सरदार सरोवर डैम बन रहा था उसके अगेंस्ट जो एक बैटल चल रही थी. अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली एंडेड अप कमेंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द ट्राइबल पॉपुलेशन, उनका कहना था कि हमको डिस्प्लेस करके जो एजुकेटेड मिडिल क्लास यहाँ पे रन जो एनजीओ है उन्होंने हमारी पूरी वॉइस जो है उसको कोऑप्ट कर लिया है और हमारा रोल यहाँ पे कंप्लीटली ही हटा दिया गया है. साथ ही में इवन दो जो एनजीओ है लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, राइट, दे एंड अप सिंपथाइजिंग विद द टारगेट पॉपुलेशन, बट बिकॉज वो उनकी जगह पे नहीं है वो ट्रूली उनके साथ एम्पथाइज नहीं कर पाते कि किस तरह के उनके मेन कंसर्न्स हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस एंड मॉडल्स जो हैं सस्टेनेबल होंगे इन द लॉन्ग रन उस कम्युनिटी को ढंग से जो है उनके फायदे के लिए बैठेंगे, राइट. सो ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि एनजीओस के लिए आती हैं. हाउएवर अगेन इवन दो ये मुद्दे उठते हैं बट एक क्रिटिकल रोल तो निभाया जा रहा है बाय द एनजीओस, एंड किस तरह से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, एक सिस्टम ऑफ ऑडिट अप्लाइए, ठीक है, पार्टिसिपेटरी एनजीओस को भी बुलाइए, ठीक है, जहाँ पे जो नेचर ऑफ इश्यूज है उनको समझना ये जरूरी है कि जो आपके डेवलपमेंट रिलेटेड इशूज है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं छोड़ सकते बल्कि सिविल सोसाइटी को इंगेज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. साथ ही में एनजीओस जो है दे हैव टू बिकम मोर प्रोफेशनल, एंड जितने ज़्यादा प्रोफेशनल बनेंगे उतनी ज़्यादा उनमें आंसरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाएगी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. द क्वेश्चन से स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया इज मार्ड बाय इश्यूज ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस, ठीक है. सो यहां पे स्पोर्ट्स गवर्नेंस की बात हो रही है. सबसे पहले तो जो आएगा इशू आपने बताना है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस एट द एंड ऑफ द डे है क्या. नेक्स्ट आपने इश्यूज डिस्कस करने तीन मेन सब हेडिंग्स के अंदर, करप्शन नेपोटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एंड और रिलेटेड कुछ भी जो इश्यूज आते हैं आप उनको स्टेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपके सजेशंस या वे फॉरवर्ड, ठीक है. सो पहले आप फटाफट बता देते कि करंट सिस्टम जो है आपका गवर्नेंस का, स्पोर्ट्स गवर्नेंस का, वो किस तरह से चलता है, ठीक है. सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उसके अंडर जो वेरियस एसोसिएशंस है क्या है वो, उनके क्या क्या रोल्स है, ठीक है. साथ ही में इनफैक्ट आपके अभी किरण रिजिजू ने एक्सेप्ट किया था कि एक जो परफॉर्मेंस का जो एक मेजर लैक है विद इन द इंडियन स्पोर्ट्समैन वो बोला जा रहा है कि बेसिकली पुअर गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स जो है वो एक मेजर इशू है विद रिगार्ड टू द सेम. 2016 के ओलंपिक्स में ओपी जैसा का एक मेजर इंसिडेंट हुआ था वेरिन शी फेंटेड
रिलेटेड, ठीक है, उसके कारण काफी हाईलाइट हुआ था ये पूरा आइडिया, ठीक है. सो देन यू गो ऑन टू द मेन पार्ट, ठीक है, कि क्या क्या मेन इश्यूज हैं. पहला है करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, ठीक है. तो किस तरह से एसोसिएशंस, अगेन यू नो दिस, एसोसिएशंस के ऊपर एलिगेशंस ऑफ करप्शन है, कैसी ऑर्गेनाइजेशंस आर डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, साथ ही में इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस के कारण क्या हो रहा है, वेरियस कॉन्ट्रोवर्सीज उठी थी. फॉर एग्जाम्पल आपके 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था, BCCI के अंडर जो काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं, एंड लोधा कमिटी ने जो बेसिकली बोला कि किस तरह से बहुत लॉन्ग रेंज के लिए एक ही इंसान चली जा रहा है, विच इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स. अगेन इशूज ऑफ नेपोटिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी के काफी इशूज उठते हैं. सुप्रीम कोर्ट का एक जो बेंच बैठा था, TS ठाकुर एंड चेलमेश्वर, जस्टिस चेलमेश्वर को लेकर, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कभी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहे हैं, तो कैसे वो जान सकते हैं कि स्पोर्ट्स को रन कैसे करना है. साथ ही में काफी इश्यूज ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म उठे. ज्वाला गुट्टा हैज एक्चुअली हैड स्पोकन अप अगेंस्ट पी गोपीचंद एंड द आइडिया कि काफी लोग हु आर रनिंग देयर ओन अकेडमीज आर अ पार्ट ऑफ एसोसिएशंस एज वेल, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ठीक है, उसको भी, उस मुद्दे को देखना भी जरूरी है. नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिजर्वेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेशन एट टू लेवल्स, जेंडर के बेसिस पे, सो हाउ वुमेन के जो रिलेटेड स्पोर्ट्स है उसके अंदर काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ स्पोर्ट्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है लाइक क्रिकेट, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट अदर स्पोर्ट्स हैव टू एक्चुअली बेयर ब्रंट ऑफ लैक ऑफ पॉजिटिव फंड्स एटसेट्रा, राइट. साथ ही में स्पेशली अगर जेंडर की बात हो, सो वुमेन के जो इवन दो वुमेन हैव परफॉर्म्ड वेल एट न्यूमरस प्लेसेस, ठीक है, उनको फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट काफ़ी लैक करता है. SC ST कम्युनिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी मिसिंग है. इनफैक्ट रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो है, उन्होंने बात की थी विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन इन द इंडियन क्रिकेट टीम एंड जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ मॉडल कि किस तरह से उन्होंने इंक्लूसिविटी बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है. सो यू कैन एक्चुअली गिव दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि किस तरह से आप ये जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आर सजेशंस, ठीक है. सो इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया है, साथ ही में किस तरह से आप जो करंट मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन मॉडल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल प्रोवाइड करता है. एक इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स रेगुलेटर की जरूरत है, साथ ही में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, तो जहां पे आप इंडिपेंडेंट एनुअल ऑडिट्स दीजिए, ठीक है, CAG के अंडर ले आइए ये वेरियस जो बॉडीज हैं. साथ ही में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फेडरेशंस क्लियरली आउटलाइन होनी चाहिए और इनको RTA के अंडर ले आना चाहिए. जो आपका स्कीम है असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, राइट, उसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है टू वेरियस वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को. साथ ही में जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड भी जो है उसको बढ़ाने की बात की. एक नया जो आपका एग्जिस्टिंग नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड है ऑफ 2011, उसको इम्प्रूव करने की भी जो है बात हो रही है. चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कम टू इज, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन इज अ प्लेग दैट हैज कॉज्ड पैरालिसिस इन डोमेस्टिक पॉलिसी इन इंडिया एंड इन्फ्लिक्स द फॉरेन पॉलिसी, नाउ डिस्कस विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि देखिए, हमको ऑलरेडी पता है कि डोमेस्टिक पॉलिसी में तो ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन को रिलेटेड पॉलिसी पैरालिसिस का जो प्रॉब्लम है वो मुद्दा उठता है, बट अब क्या हो रहा है, अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हम देख रहे हैं ये ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन के कारण हर्डल्स आ रहे हैं. आपने डिस्कस करना है कि क्या ये प्रॉब्लम्स है विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स, राइट. सो सबसे पहले आप बताएंगे, अगेन सिमिलरली जिस तरह से हमने पहले देखा था कि ब्यूरोक्रेसी और इसका क्या रोल रहा है, क्या रीजन है जिसके कारण फॉरेन पॉलिसी को रिलेटेड इश्यूज को रिलेटेड इंडिया डिपेंडेंट हुआ है ऑन ब्यूरोक्रेसी, कौन से चैलेंजेस है, क्या पॉजिटिव्स है ऑफ द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड कंक्लूजन with regard to the same, ठीक है. सो ब्यूरोक्रेसी अगेन स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एक्सेट्रा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. जिस तरह से सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का आइडिया और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन में सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव ही नहीं, आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन फॉर्म्स भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. साथ ही में ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ पावर है, इसके कारण इनोवेशन भी हुई है. साथ ही में फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, जिसके कारण ब्यूरोक्रेसी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. हाउएवर देर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ लिथार्जी एंड सेंस ऑफ विलफुलनेस, जिसके कारण जो है वेरियस प्रॉब्लम्स उठ के आ रही हैं. अब रीजंस क्या है फॉर डिपेंडेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे आप वेरियस इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट को बाय ब्यूरोक्रेसी, द ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन हियर, ठीक है. फॉरेन पॉलिसी जो अल्टरनेटिव्स है वो ब्यूरोक्रेसी जो है आगे रखता है. अकेडमिक्स के अंदर एक काफी फॉल हुआ है, जहाँ पे जो थिंक टैंक्स और अकेडमिया है शायद उतने ज्यादा पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च नहीं कर रहे, जहाँ पे जितना जो मैंडेट है विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी किस पे, पूरा जो बर्डन है ब्यूरोक्रेसी पे आ जाता है. साथ ही में एक आइडिया जो
सी राजा मोहन बोलते हो, बोलते थे फॉरेन पॉलिसी इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ एलीट कंसेंसस, एंड ये जो एलीट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ब्यूरोक्रेसी है. सो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंस बढ़ जाती है. साथ ही में जो ब्यूरोक्रेसी है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन वेरियस इशूज विद रिगार्ड टू इम्पैक्ट ऑन बजट, नेशनल सिक्योरिटी, सो ऑन सो फोर्थ. और इसीलिए यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं द ब्यूरोक्रेसी. साथ ही में ब्यूरोक्रेसी का जो एक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो है उसको इवॉल्व कर लेते हैं, विच कैन बी यूज्ड ऑल अक्रॉस, एंड इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी. अब क्या है इशू ऑफ ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन? 2012 में एक आपकी हांगकॉन्ग बेस्ड रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, बहुत ही लेजी है, काफ़ी इनके अंदर इनर्शिया है, काफ़ी करप्शन है, राइट. एंड इनफैक्ट देवर रैंक्ड 9.21 ऑन अ स्केल ऑफ 10 विद 10 बींग द वर्स्ट, राइट. मार्केट रिफॉर्म्स जैसे जैसे आए हैं काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पर हुई है. हाउएवर FDI का जो एक मेजर मुद्दा है दैट इज विद रिगार्ड टू योर ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स जो कि आ रहा है. सो काफ़ी फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन MNCs एक्सेट्रा है वो नहीं इंडिया को एक देखती एज अ गुड डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ दिस रेड टेपिज्म. अगेन इन अ वर्ल्ड ऑफ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी इंडिया इज स्टिल डोमिनेटेड बाई ट्रैक वन डिप्लोमेसी, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैव अ वेरी ह्यूज से इन द इंटरेक्शन विद द अदर स्टेट्स which is leading to problems. India stand in WTO. In fact, economic survey ne hi raise kiya tha point ki kitni zyada bureaucratic confusion hai jiske karan wahan pe mudde uth rahe hain. WTO ko single handedly in fact ye credit kiya jata hai ki jo Indian bureaucracy hai, right, uske karan jitne bhi problems aaye Indian bureaucracy ke kaafi role hai wahan pe play karna. Ek bahut bureaucratic confusion hai jahan pe the Indian bureaucracy theek hai unko yahi nahi samajh mein aa raha ki kya India ko hum as a rich state portray करे या इंडिया को एज अ पुअर स्टेट पोर्ट्रे करे, ठीक है. सो इसके कारण एक्सपोर्ट्स को रिलेटेड जब इशू आता है अगेन हम एक डिफरेंट स्टैंड लेते हैं, इंपोर्ट को रिलेटेड जब इशू आता है हम एक डिफरेंट स्टैंड लेते हैं. जो आपका ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट है स्पेशली विद रिगार्ड टू आपका जो गुड्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स गुड्स एंड सर्विसेज का जो इशू है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है उसको इंडियन ब्यूरोक्रेसी ढंग से डील नहीं कर पाया था. अगेन जो आपका BBBIN है, BBN आपका जो है उसके रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इशूज आए हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू जो आपके पावर परचेज अग्रीमेंट्स आ रहे हैं विद रिगार्ड टू भूटान एज वेल एज नेपाल, ठीक है. सो बांग्ला, भूटान, इंडिया, नेपाल का ये जो एक ये पूरा जो एक ग्रुपिंग है, राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद द हिमालयन नेबर्स, ठीक है, कि जो एंड बेसिक एक जो हर्डल है इज विद रिगार्ड टू ब्यूरोक्रेसी. अगेन EU के साथ जो इंडिया का FTA है, ठीक है, उसके अंदर इट्सा ने पॉइंट आउट किया है कि एक ब्यूरोक्रेटिक वर्कमायर के कारण ये FTA जो है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाया है डिस्पाइट द ह्यूज बेनिफिट्स जो इससे आ सकते हैं. हाउएवर अगेन डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स काफ़ी पॉजिटिव्स हैं जो कि यहाँ पे which have been provided by the bureaucracy. For example, India-China के related जो भी NSA आपको पता है dispute resolution के एक continuous जो conversation चलती रहती है वो तभी possible है because of the kind of role that the bureaucracy has played. क्योंकि democracy के जो pressures होते हैं उसके कारण often hard stance लेना पड़ता है which leads to more problems instead of solutions. Again, consulates बहुत ज़्यादा खोल रहे हैं जहाँ पे bureaucracy का एक बहुत major role है. Multiple level पे जो engagements बढ़ा रहे हैं, अब सिर्फ हम World Bank पे नहीं बट वी आर लुकिंग एट अदर पीपल एज वेल, ठीक है. जो कंसेशंस ऑफर हो रहे हैं टू इंडिया इन WTO हैज बीन बिकॉज ऑफ द हार्ड बार्गेनिंग जो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने की है. अगेन UN में जो इंडो पाक रिलेशंस को रिलेटेड काफी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. साथ ही में इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन एक्चुअली मूविंग towards this policy of dehyphenation and looking at other alternatives in foreign policy which are available, right. So while looking at the various problems it is important ke bureaucracy ka jo role hai usko bhi dekha jaye. Administrative reforms ki zarurat hai, engagement with academia and think tanks taki jo Indian bureaucracy hai wo apna jo dynamic role hai usko dhang se ada kar paye. The next question is with regard to BIMSTEC. The question states, what is BIMSTEC? Examine its relevance and the challenges it faces. Again, a clear-cut question. ठीक है, the question basically इसके अंदर आपने डील करना है कि BIMSTEC है क्या. So Bay of Bengal इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशन, इसके मेंबर स्टेट्स कौन है, कैसे ये आया, ब्रीफली आपने एवोल्यूशन की बात करनी है. नेक्स्ट आपने बात करनी है कि किस तरह से रेलिवेंस ऑफ BIMSTEC जो है इंपॉर्टेंट है. सो एक ये जियोग्राफिकल जो आपकी इंटरमेसी है बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है. नेक्स्ट यू गो टू द रीजनल लिंकेजेस जो है इन सब के बीच में. इकोनॉमिक रेलिवेंस कितनी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, द काइंड ऑफ GDP दैट वी हैव, ठीक है. अगेन मूविंग ऑन, डेवलपमेंटल कोऑपरेशन किस तरह की यहाँ पे हो रही है, एंड प्रायोरिटी एंड सेक्टोरल
फोकस जो आपका है 14 जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनके ऊपर उन्होंने जो फोकस किया है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को रिलेटेड जो चीजें हैं, राइट, हर्षपन ने एक्चुअली पॉइंट आउट किया था कि इंडिया एक लार्ज सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है टू बिम्स्टेक एंड इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ती ही रहनी पड़ेगी एंड वी डोंट नो इफ इंडिया हैज द सफिशिएंट रिसोर्सेज टू टैकल द सेम. साथ ही में उन्होंने बोला था कि इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरत है कि जैसे कि अब साक का जो एक मेजर फेलियर था वो इसलिए था कि बिकॉज इट वॉज सीन कि इंडिया एक बिग ब्रदरली उसका एक इमेज बन गया था यहाँ पे साक में दैट इंडिया इज डोमिनेटिंग इट. आपने ट्राई करना है कि बिम्स्टेक में ऐसी इमेज ना आए. अगेन अल्ट्रानेशनलिज्म एंड जिंगुइज्म काफी कंट्रीज के अंदर बढ़ता जा रहा है एंड यहाँ पे नजर रखने की जरूरत है कि इट डजंट रियली कॉज प्रॉब्लम्स विद इन बिम्स्टेक, राइट. देन अगेन देयर आर इश्यूज विद रिगार्ड टू फ्री ट्रेड. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा इनहांस करने की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ एशियान एक्सेट्रा जो कि इन कंट्रीज को वू कर रही है, राइट. ये जो कुछ कंट्रीज है इनका भी हिस्सा है, थाईलैंड, म्यांमार, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. सो अगेन आपको ये देखना है कि बाकी कंट्रीज के साथ कंपीट करने के लिए जरूरी है कि बिम्स्टेक के अंदर ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल और जो एक पीआर इनिशिएटिव्स हैं उनको ज्यादा बढ़ाया जाए. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द लास्ट क्वेश्चन सेज अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल इशू कन्फ्रंटिंग द सिटीज ऑफ इंडिया. Examine the issues surrounding urban waste and measures to remedy the same. Right? So, आपके बहुत एक important ये मुद्दा है, बहुत important issue है जो कि कब से ये उठ के आ रहा है, right? So, it is very important to actually tackle the same. Again, अगर आप Indian Express continuously पढ़ते हैं, ठीक है, ईशा जज आलूवालिया इस पर continuously लिखती हैं, बहुत सारे उनके articles आए हैं और उसको discuss करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, right? So, structurally, again, पहले है ये समझाना कि वेस्ट जो है, राइट, जब हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट होता क्या है, ठीक है, वेस्ट है क्या, ये वेस्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है, आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं. नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट पे आपने जाना है कि वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट मैनेज करना आप किसको बोलते हैं, ठीक है. फिर आप जाते हैं इशूज एंड इम्पैक्ट पे, सोल्यूशन पे एंड देन कंक्लूजन, राइट. सो अगेन when we are talking about the idea of waste management, यहाँ पे बताना ज़रूरी है and जो issues हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा concentrate करने की ज़रूरत है. So you have the haphazard waste management जहाँ पे बोल रहे हैं आप segregation हो रहे, scientific management of waste हो रही, dumping बहुत ज़्यादा है, right, which is an unsustainable practice. आपने news में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से there was a fire at the Ghazipur the Ghazipur dumping site, the huge garbage slide that happened. Again एक फ्लाउटिंग ऑफ लॉज एंड रूल्स जो हो रही है दैट इवन दो रूल्स एग्जिस्ट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एग्जिस्ट हाउएवर दे आर नॉट फॉलोड स्ट्रिंजेंटली. ई वेस्ट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसको डिस्कस करना जरूरी है. मेजर लैक ऑफ फंड्स जो है वो है, ठीक है, कि आपके कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन पे ही सारा खर्चा हो जाता है. सो म्यूनिसिपल बॉडीज के पास और आपकी लोकल बॉडीज के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो ढंग से जो बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट कर सके. टेक्नोलॉजिकल लैप्सेस बहुत ज्यादा है, बायो रिमीडिएशन, बायो माइनिंग, cultures जैसे various facilities available है but they are not being followed. However, there is still huge scope. किस तरह के suggestions आ सकते हैं, सबसे important है behavioral change. So people जो फेंक रहे हैं, right, so the people who are actually throwing the garbage उनको आपने aware करना है. Recycling जैसी चीज़ें जो हैं उसको इनकरेज करनी है, ठीक है. साथ ही में इंगेज करना है आपको फॉर्मल इनफॉर्मल जो आपका सेक्टर है उनको, सो रैग पिकर्स, कबाड़ी वाला, इन सबको. सैनिटाइज लैंडफिल्स बनाने की ज़रूरत है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट की ज़रूरत है. वेरी इंपॉर्टेंटली वेस्ट टू एनर्जी जो एक कॉम्पोनेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप सेग्रीगेट कर सकते हैं वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है. रिफ्यूज राइट फ्यूल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डेवलप किया जा सकता है. अगेन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस वेस्ट, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक रोड्स जो हैं जो एक बन रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्नोई एरियाज, दे आउटलास्ट द नॉर्मल रोड्स, इनको इनकरेज किया जा सकता है. साथ ही में एक पीपीपी मॉडल जो है उसको भी इनकरेज किया जा सकता है, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली हैज अ इंसेंटिव टू एक्चुअली पार्टिसिपेट एंड मैनेज वेस्ट एंड गुड प्रैक्टिसेस कैन बी बिल्ट इन, राइट. सो स्वच्छ भारत अभियान जो हम चला रहे हैं वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर ये वेरियस प्रैक्टिसेस जो हैं उसके अंदर इनग्रेन हो पाए, राइट. सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस एंड शॉर्टली इसके अंदर जो शॉर्ट में जो वेरियस बेसिक चीजें आपको मद्देनजर रखनी है विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर एज वेल एज द डिटेल्स, राइट. So thank you, please keep practicing the questions, best of luck for the mains which are very close now, right. Aapko PDFs jo hai circulate ho jayenge hamare telegram channel etc pe, right, and for the people who would given the test they will also be available on the platform, right. Thank you.